प्रेम और अपनापन का दूसरा नाम है मांड्या। कावेरी नदी जीवन का आधार है यहाँ। जल, जमीन और अपनी भाषा के लिए लोग मरने मारने को तैयार हैं। दोस्त के लिए दोस्त हैं तो दुश्मन के लिए दुश्मन। बोलने में थोड़े खड़ूस हैं पर दिल खरा सोना है। यहाँ मन मोहने वाली कलाएं हैं। नृत्य, संगीत, हर कला और कलाकार को प्रोत्साहित किया जाता है। ये है मांड्या जिला। यहाँ लोग फिल्मों के अभिनेताओं की इस कदर भक्ति करते हैं मानो भगवान हो। बरसात की कमी से अकाल आ जाए, प्यार में कभी कमी नहीं होती। यूं तो मोहब्बत करना एक तरह की इबादत है, पर कुछ लोगों के लिए ये एक संगीन गुनाह से कम नहीं। इनके समाज में ये पाप है, घोर पाप। छोड़ दो, नहीं, माफ कर दो, प्लीज। पापा आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। पापा मैं आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, प्लीज। कहाँ गया वो निकम्मा तुम्हारा लाडला? क्या मतलब, अब क्या गलती कर दी बेचारे ने? गलती छोड़ो, उसने कोई सही काम किया है जिंदगी में? जलते हो उससे, जब तक उसे ताना ना मार दो आपका खाना हजम नहीं होता ना। ये मुंह और मसूर की दाल तुम दोनों ने मिलकर उसे सर पे चढ़ा के रखा है, बिगाड़ के रख दिया उसे, और झेलना मुझे पड़ रहा है, और कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। जीवन में एक ही इच्छा थी, मेरी तरह मामूली किसान बन के न रह जाए, इसलिए उसे पढ़ाया लिखाया, कॉलेज भेजा। मैंने सोचा कि बड़ा अफसर बन जाएगा, पर ये तो चपरासी के लायक भी नहीं, दिन भर मवालियों के साथ आवारागर्दी करता। यारे, अभी नहीं करेगा तो क्या आवारागर्दी बुढ़ापे में करेगा? तुझे जलन हो रही है ना, मुझे सब पता है। माँ, आप चुप ही रहिए, उसे बिगाड़ने में आपका भी हाथ है, हाथ से निकल गया लड़का। तू चिंता मत कर, मेरा पोता राजा है, हिम्मत वाला है, मेरा शेर पूरे गांव पे राज करेगा। बेकार के सपने मत देखो माँ, सारा दिन राजा उली की रट लगाती हो। तुम लोगों के प्रोत्साहन की वजह से मवालियों का राजा बन गया है वो। मेरे बाबूजी की तरह नहीं है जो सारी उम्र सरपंच बने रहे, निखट्टू कहीं का। अरे अपने बापूजी के बारे में जानता ही क्या है तू? सर पे शानदार पगड़ी, कंधे पे रेशम का रुमाल, जब वो अपनी घनी रुबाबदार मूछों पर ताव मारते हुए बाहर निकलते तो लड़कियां किसी न किसी बहाने उन्हें ताड़ने के लिए घरों से बाहर आ जाती थी। पूरे गांव में उनका वट था, वही रौब, वही तेज, वही जोश और जुनून मेरे पोते में दिखाई देता है। मेरा पोता राजा है, आंखों से इशारा कर दे गाँव का एक एक आदमी उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। हाँ, उसके साथ कौन कौन खड़े होते हैं रोज देखता हूँ। कावेरी नदी के नाम पे सरकारी बसें जलाने वाले गुंडे। कावेरी को बचाने के लिए अरे सिर्फ बस ही नहीं, दुश्मन की पूरी बस्ती को जला डालेगा। अपने इस पागलपन पता नहीं वो क्या क्या। कोई इंसान इस विनाश को नहीं रोक पाएगा। जिस दिन यूनिवर्स का कहर टूटेगा, सुनामी, भूकंप आग दुनिया को तबाह कर देंगे। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हाथ पैर बिना के घटिया बकवास कर रहे हैं। पहले बोल रहे थे 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, ना आसमान में एक होल हुआ, ना भूकंप से धरती हिली, बस आबादी थोड़ी और बढ़ गई। आबादी कैसे बढ़ गई? 2012 के प्रलय से सबकी हवा टाइट थी। जिनकी नई शादी हुई थी उन्होंने तो फर्स्ट नाइट में ही नो बॉल पर सिक्स मार डाला और धरती पर फूल खिला दिए। उस रात को तू कबड्डी खेला क्या? ये भविष्यवाणी सब बकवास है। मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ, मैं दबा के खाता पीता और टांग ऊपर करके सीधा सो जाता हूँ। तू धरती पे रहे या प्रलय के बाद नरक में रहे, बस या तो खाता रहेगा या सोता रहेगा। ए, जब तू मेरी उम्र का होगा तब रात को आके पूछूंगा तूने कितने झंडे गाड़े। जब मैं तेरे जितना बूढ़ा खुसट हो जाऊंगा ना, तेरी विकेट गिर गई होगी, तेरी अस्थियों से मैं गिल्ली डंडा खेलूंगा। ऐसे बोल रहा जैसे तू मरेगा नहीं, हड्डी के ढांचे चर्बी चढ़ गई क्या? तेरी हिम्मत कैसी हुई? कैसा है भाई? क्या रे वंटा है? इस बूढ़े को कोई काम धंधा नहीं है क्या? हम दोनों बेरोजगार है भाई, नदी से पानी चुरा के अगले जन्म में नहाने का जुगाड़ कर रहे हैं। अबे है बाल की दुकान, आपन यहाँ पर पानी जमा करने के लिए नहीं बैठे है, पानी सप्लाई करता है, समझा गया? और पंटर लोग प्यारे लाल आ गया, क्यों सुपर हीरो
तीन साल से एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में इंग्लिश में फेल होने का हैट्रिक कर दिया भाई। एक बात बताऊं, ये लोग चुड़ैल से कम अंग्रेजी से ज्यादा डरते हैं। What senseless you are saying, man? पहले साल हिस्ट्री में लुड़का, दूसरे साल ज्योग्राफी में लुड़का, इंग्लिश से क्या घंटा डरेगा? सवाल ही नहीं उठता। इंग्लिश सात समंदर पार वाली भाषा है और वो भाषा ना सीखना बिना बहुत बड़े स्वाभिमान की बात होती है, पता है? तो अंग्रेज लोग को उनकी औकात दिखाने के लिए ये भाई जानबूझ के इंग्लिश में लुड़क गया है। देशभक्ति खून खून में भरी है इसके। 15 अगस्त को मदिरा पीता है और देशभक्ति की बात करता है। ऐसा सस्ता पेंट दिला। अरे क्या यार, ऐसे सड़क छाप छपरी रोमियो जैसी हरकतें क्यों कर रहा है तू? एसिडिटी मत पाल भाई, पुरानी पड़ोसन है मयूरी। शर्म नहीं आती? हाथ में मेरे बच्चा है फिर भी तू मुझ पे लाइन मार रहा है? तेरे से ही तो सीखा है छमिया। लगता भूल गए, कभी मंदिर में, कभी दरिया किनारे, कभी मेले में मेरे को पप्पी देने के लिए मरती थी और मेरे आँख मारने पर तो शर्म से पानी पानी हो जाती थी। ये तो सच है कि औरत अपना पहला प्यार कभी भुला नहीं पाती है। शराब और औरत जितनी पुरानी उतनी नशीली होती है। अब तो चाय भी नशीली लगने लगी है। एक नंबर का लुच्चा है तू, गलती के तुझसे बात करके। अरे रानी का गुस्सा, कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया तूने? अबे वो तो तुम लोग साथ में हो इसलिए वो आप उन पे चिल्लाने का नाटक कर रही थी। अबे औरत लोग को डर रहता है ना कि दोस्तों के सामने बोलना खुल जाए। तुम लोग के सामने चिल्ला रही थी लेकिन पलट के देखो उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। आज भी उसके दिल में मोहब्बत की चिंगारी जल रही है। उसके पति के बाल जल गए, टकला हो गया। अबे ढीले चुप। तो बताइए क्या सोचा, कोई फैसला लिया कि नहीं अभी तक आपने? आपको बताया था ना मेरा भाई कावेरी को दिलो जान से प्यार करता है, बहुत ही होनहार है मेरा भाई। कावेरी को उससे अच्छा पति नहीं मिलेगा। ये आपसे किसने कहा? प्यार एक तरफा रास्ता है, क्या मेरी भावनाओं का कोई मोल ही नहीं है? किसी ने मुझसे पूछा मुझे कौन पसंद है? हाँ hey, क्या बोल रही है? बड़ों के सामने जुबान लड़ाते शर्म नहीं आती? कुछ बोलती नहीं हो तो मनमानी करेगी क्या? पहले अपने घर का मसला सुलझा लो, चलता हूँ। अब मेरी बात सुनिए, अपनी लाडली बेटी से बात करके अपना आखिरी जवाब दे देना मुझे। कोई फैसला लेने से पहले मेरी एक बात याद रखना, मेरे ससुर को इस रिश्ते के लिए वचन दिया था आपने, कावेरी का हाथ मेरे देवर के हाथ में देने का वादा किया था आपने। अपनी बात से पीछे हटे तो आपकी बहन की तरह आपकी बड़ी बेटी को भी ससुराल छोड़कर घर पर बैठना पड़ेगा। एक बार अच्छी तरह सोच कर बताना। चलती हूँ। शादी नहीं की तो ससुराल छोड़ दूंगी, ब्लैकमेल करेगी मुझे, समझा क्या आप उनको? कावेरी डार्लिंग, मांड्या की रानी हूँ मैं, किसी से नहीं डरती, अपुन से पंगा नहीं लेने का। छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा ड्रामा कर लिया, अपना पार्टनर खुद चुनूंगी। भूल जा भाई, ऐसे घूरने से दाल नहीं गलने वाली। दाल किसे गलानी है, अपने को तो बिरयानी पकानी है। पहले जाल बिछाओ फिर दाना डालो, उसके बाद कबूतरी फंसेगी। ए लक्ष्मी, पिछले 10 मिनट से उल्लू के माफिक ताड़े जा रहा है। जरा गौर से देखे से, एक नंबर का छपरी लग रहा है। बस स्टैंड आ गया, चलो उतरो, चलो चलो जल्दी जल्दी खाली करो, चलो चलो मैडम, चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो, उतरिए उतरिए उतरिए, चलिए। ये तो बस से उतरते ही अचानक से फुर हो गए यार। लड़कों को तड़पाने में लड़कियों के दिल को बड़ा सुकून मिलता है। ये भंटा है कॉलेज खुलने से 2 घंटे पहले बस पे चढ़ के किधर जाता है, ये गुपित ज्ञान पूछना इसको। अरे कहाँ जाऊंगा मैं, एग्जाम की तैयारी करने के लिए सुबह सुबह कॉलेज की लाइब्रेरी जाता हूँ और सुकून से पढ़ता हूँ, पढ़ाई लिखाई मेरे रग रग में बसी है। अरे 2 साल से ट्यूशन रखवाया फिर भी इंग्लिश की नैया पार नहीं कर पाया है, और बात ऐसे ही करती है जैसे कल रॉकेट बनाएगा। अरे सच बोल रहा हूँ यार। अच्छा तो शिष्य भी गुरु को ज्ञान देगा क्या? कौन से कॉलेज की है? नहीं पता यार,
नाम क्या है? नाम भी नहीं पता है? अरे साला नाम नहीं पता, कॉलेज नहीं पता, लेकिन आंखें सेकने के लिए रोज पहुंच जाता है तू। हाँ चूरन दे रहा है क्या अपने को? चूरन क्यों दूंगा, चार महीने से उसका नाम और पता जानने की तो कोशिश कर रहा हूँ। क्या चार महीनों से? अबे आज तक कॉलेज का प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया और लड़की को प्रोजेक्ट समझ के उस पे काम कर रहा है तू। अबे अपनी इज्जत का क्या, व्हाट अबाउट मंड्यास बॉयज प्रेस्टीज? चल उसकी चंपी कर डालते हैं। अरे ओ बात बनने से पहले बिगाड़ मत देना, मैं अपना झमेला खुद संभाल लूंगा। रे तेरी मातुका ने हमें ललकारा है, कसम भाई की कल गर्दी में भी हम बस के अंदर चढ़ के रहेंगे। और भाई लिख ले, चार दिन में वो मेरी भाभी बनेगी। सच में तेरी भाभी बनेगी? डरा मत भाई। बाल बाल बच गया मैं उन दोनों से। अबे लेट काहे को आया, चल इधर आ। अरे कहाँ लेके जा रहे? अबे आना। अरे अरे आज बस की हड़ताल है। अबे तो सामने तेरे चाचू की बस खड़ी है क्या? ए भगाने को बोल रहे हैं। अरे ये दूसरी बस है, ये वो वाली नहीं है। ए भगा भगा अपन आ रहे हैं। क्या कर रहा है यार? देखो आज कौन बस में चढ़ा है। क्या हुआ रे? देखो तो सही बस में कौन है। मिलो रे। गाना क्यों चेंज किया? अभी समझ जाओगे। जानता है बस में कौन आया है? राजा हुली। ओ, बस में राजा हुली चढ़ा है। बस में राजा हुली चढ़ा है। बस में राजा हुली चढ़ा है। समझदार है। हे, रोज वाली बस है ना, सारी लफंगों की बोलती क्यों बंद है? देखना बस में कौन चढ़ा है। उसका नाम क्या है? उसका नाम राजा है। हमारे पास के गांव से ही है। गांव के लोग उसे राजा होली के नाम से जानते हैं। जब ये बस से कॉलेज जाता था तो पूरे रास्ते इसी का राज चलता था। लगता था जैसे बस इसकी बाप की है। जब तक ये बस में है इसी के पसंद के गाने बजते हैं। देखा इसकी दादागिरी। बोल कौन है बे तेरी छावी? चिल्ला क्यों रहा है? बताता हूँ ना, लास्ट स्टॉप तक अपन को वेट कराएगा क्या? जल्दी से बोलना रे। देखना आज कोई किसी को नहीं छेड़ेगा। सारे लफंगे जो इससे डरते हैं, किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो उसके कान के नीचे जोर से बजा देता है। ये किसी से नहीं डरता। देखा तूने? अगर किसी ने गलत किया तो उसका ये इंसाफ कर देता है। आगे देखते रहना, जब तक ये बस में है ये सारे लफंगे काबू में रहेंगे। अपने आप को काबू में रख, वरना हाथ काबू में नहीं रहेंगे। ए तू बोलना रे। अरे वही है जिसके बालों में मोगरे का गजरा है, देखना। अरे भंटा इधर तो गजरे की पूरी खेती बिखरी हुई है, कोई खासम खास चीज बोलना उसका। जो चौथे रो में खिड़की के पास बैठी है ना, वही है वो खिड़की। उंगली मत दिखा यार। आपन का अनुभव ये कह रहा है कि वो तेरे को भाव भी नहीं देने वाली है। अरे अरे तू कैसा दोस्त है? अबे उसकी शक्ल भी देखी क्या तूने? एक नंबर की बदतमीज और नकचड़ी लौंडी लगती है। और अपनी शक्ल देख, शेरनी और बकरे की जोड़ी ना कभी नहीं हो सकती, भूल जा उसको। पर यही मेरा सच्चा प्यार है दोस्त। इसलिए लगा शादी की गाड़ी स्पीड पकड़े उससे पहले तूने टायर पंचर कर दिया भाई, वो गिड़गिड़ा रहा है ना। आज तो गरीब की मदद कर डाल। कुछ 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 बाद में बोलना मत, आपने इसको समझाया नहीं था। अबे इसकी किस्मत में वो नहीं है रे, आग में जानबूझ के हाथ डालने का नहीं। हे यहाँ से चलते हैं। पर क्यों? कहाँ गायब हो गए रे? यार चार महीनों से यही सीन है, बस से उतरते ही फुर हो जाती है। अरे बॉडी गार्ड बन के खर्चा करके उसका पीछा करो, नजर चुकते ही वो कबूतर की तरह फुर हो जाती है। कबूतर को बांध के रख भाई। चलो उसको ढूंढते हैं,
देख देख बस आ गई। हाँ टो गया, अपन कोई ढूंढ रही है ना? हाँ ढूंढ रही है। बस में चढ़ जा हर्षी के राजा। अरे रोको रोको, चढ़ गया क्या? हाँ अब तू कट ले। ठीक है बस। अबे तू किधर जा रहे है बे? बस जाने वाली है यार। तो जाने दे ना, तेरे को पता है ना हीरो की एंट्री हमेशा लेट ही होती है रे। आज से अपन नहीं लड़कियों के पीछे दौड़ने का, लड़कियों को अपने पीछे दौड़ाने का। चल टाइम आ गया। सबके सब ठरकी भाग भाग कहाँ तक भागेगा? इन लड़कियों के पीछे भाग के सिर्फ चप्पल घिसेगी, आजमा चुका हूँ। अबे पर लग गया क्या? अबे धीरे भागना। यार देखा तूने, मुझे ज्ञान बांट रहा था कि तू हीरो है, बस में लास्ट में एंट्री कर और खुद हीरो बन गया। अबे तो धीरे भाग तेरा मामा चिल्ला रहा था क्या? फर्स्ट आके तेरे को ओलंपिक का मेडल जीतने का था क्या? अबे बस के पीछे भागना, उसमें चढ़ना, ये सब इंप्रेशन झाड़ने वाली बात होती है। याद रखना, कोई तेरे को हीरो बना नहीं सकता है, खुद को डेयरिंग करना पड़ता है उसके लिए। बोल के नहीं चलता, बैठिए उधर जाके बात कर ले। चल अपन जा रहा है। टिकट बाकी है तेरा, चल। हाँ उस तरफ से ऑटो मिलेगी। ए, लक्ष्मी क्या? वहाँ से नहीं, यहाँ से। अरे यार लेट हो जाएगा। अरे होने दे, तू क्यों अलग अलग रास्ते से ले जाती है? अरे बताती हूँ। यार हाई फाई। रास्ता बदल के हमें भटकाने चली थी, उसे पता नहीं हम रेंगते सांप को झपटा मार के पकड़ते हैं। सांप का शिकार करेगा? भाई शेर है तो हिरनी का शिकार करेंगे ना। अब तो किसे देख रही है? बच गए, उस मजनू को देख रही थी, नहीं आया। देखा पंटर लोग, कैसे लड़की लोग लड़कों को चकमा देके घनचक्कर बना देती है। बिल्कुल सही कहा, क्या शाणी निकली यार वो। चार महीने से ऐसी आंखों के सामने से फुर हो रही थी। पीठ पे गुम्बा मारूं क्या? ढीले तेरे को बुद्धू बनाया, हम लोगों को नहीं। अपने हीरो ने 24 घंटे में इसका तोड़ ढूंढ निकाला, देख लिया ना। अरे रे, अरे वो तो अपना रवि है ना। क्या भाई आज इधर? राजौली इतने सालों बाद कैसे हो पंटर लोग? एकदम चकाचक, लेकिन तू इधर कैसे? अपना ही दुकान है। अबे इसकी दुकान है। अरे कल तक था, आज से हमारा दुकान है। किसी रंगीली चमकीली को रखा नहीं है। किस वास्ते? झाड़ू पोछने के वास्ते। परफेक्ट लोकेशन है। क्या बोलता है रवि, ये ड्रामा और शूटिंग के वास्ते एकदम फैंसी आइटम रखे ले तूने? ये क्या नया ड्रामा है भाई? असली ड्रामा तो ऊपर वाला करवाता है रे, अपन तो कठपुतली बनके उनके इशारों पे नाचते हैं। सुन भाई, ये हमारा बचपन का दोस्त है, लंगोटी रवि नाम है। एक साथ स्कूल में बंक मारते थे। ये अपना हीरो रवि, मैं, अपना दोस्त भरत और वो कौन था, हाँ जग्गा, रात दिन पिक्चर देखते है। और हमको सब क्या बोलते थे, पांच पांडव। पांडव का भीम यह है, पूरा दिन खाता रहता। इतना नहीं, ये सबके टिफिन में भी हाथ मारता और कॉमेडी में नंबर वन है भाई। जॉक सुना ना? अरे मैं क्या कॉमेडी करेगा, ऊपर वाले ने मेरे साथ कॉमेडी किया है। मेरे पे हंस रहे हो ना? तेरे पे नहीं हंस रहे रे। अरे ये है ना अपना मोहन जिगरी, इसका है ना कॉलेज की एक परी पे दिल आ गया रे, तो अपने को इसके वास्ते अपनी भाभी बनाना पड़ेगा ना। अरे मर गए बेटा, उल्टी गिनती शुरू कर दे। तू खड़ा हो जा रे, दिन में तारे दिख गए तेरे को? अबे तारे जमीन पर आ गए क्या यार? तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे क्या? स्कूल में कभी मुझे पढ़ने नहीं दिया, कम से कम अभी मुझे अच्छे से धंधा तो करने दो। मैं बोला था ना कॉमेडी करता है, ये कॉमेडी, ये कॉमेडी, या ले ले कॉमेडी। चल राजा, अब मैं चलता हूँ। तू किधर चला बे? कॉलेज जाऊंगा और कहाँ। अपन तेरे वास्ते इतना दूर आया और तू कॉलेज जाएगा क्या? भाई तो रोज पढ़ता है लेकिन फायदा तो होता नहीं है। कॉलेज से पहले प्यार का एग्जाम दे दे, प्रेम का सबक सीख ले, फिर पता है क्या हुआ। Thank you.
यार ये तो चली गई। क्या? हाँ अपन बीड़ू के साथ इधर ही खड़े लाए। ए कितना टाइम? बे मैं मिनरल वाटर में मूत्रा क्या? ए मैं रोगी आइए ले। ए शेख चिल्ली चल 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 चल। ए लवर बॉय ए धड़कम धड़कम एकदम धड़का। ये रे दूं क्या खींच? इसके लिए क्या क्या करना पड़ रहा है? ए मेरी जान बचा। कच्चा ही खाएगा क्या? वो देख छेड़ रहा क्या है रे? तो पटाने का तो जाओ इसको पटाएगा। हाँ मैं जाऊँ। आ तो मैं जाऊँ क्या? तू जाने ये प्रेम पत्र छाप दिया। अब छेड़ा ना। हाँ आ रहा आ रहा। क्या बात कर उसे जा करता हूँ। बोले बिना आना नहीं। अब कौन से पंगा नहीं लेने का? मेरे को बोला ना बात के बिना आने का नहीं है। तुझकी बात कैसे बोलूँ? ले हाँ ये भी ये हाथ पटक रही हो क्या? शांति नहीं 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 वो आती होगी। नहीं 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 ए चमारी रो यही जगह है ना? हाँ भाई। अरे अपने दोस्त की दुकान है। जीना हराम कर रखा है मेरा। अच्छा इनमें से कौन है? वही वो अंदर है जो बैठा। रुक इधर। ए राजा उली। अरे भाई दूंगा। ए भरत। ए तू इधर काहे को आया रे? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक। तेरे को देख के अच्छा लगा। छोटू क्या चल रहा है? धंधा पानी ठीक? क्यों भाई जब से फोकट में फटपटिया मिला हमें भूल गए? तेरे को क्या लगा तेरी तरह कबाड़ की दुकान खोल के भंगार किराए पे देके रोज का 20-25 कमाएगा मैं? और कोई काम नहीं क्या? अबे ज्यादा फटपटा बात करोड़ों का बिजनेस है। शकल से भिखारी अकल से कंगाल वड़ा पाव के पैसे भी हमसे मांगता है। मांगता है कि नहीं? चेक फाड़ के दुकान फट जाएगी। वो कौन है? वो क्या? ए मोहन जरा इधर अपना पंटर आया ला रे जरा मिल इसको। ये इंग्लिश में भी फेल है और हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी फेल हो गया है। बोले तो नीचे से टॉपर था ये। तेरे से एक बात करनी है जरा एक मिनट इधर। पांच पांडव वाला ग्रुप बताया था ना उसमें। कोई टेंशन है क्या? ये अपुन का आदमी है। इसका नाम है चलुआ। इसका ध्यान रखने का है। इसी एरिया में पास में ही है पॉलिटेक्निक कर रहा है। पढ़ाई लिखाई में अव्वल है। बोल रहा है बहुत दिनों से एक छमिया के प्यार में पड़ा हुआ है लेकिन कुछ लौंडे हैं इसके कॉलेज के जो इसकी छमिया के पीछे पड़े हुए हैं। इसी वास्ते इधर आना पड़ा मेरे को। अबे लौंडे का नाम पता ना उसको लाइन से हटा के इसकी लाइन क्लियर कर देंगे। अरे वो लौंडा तेरा दोस्त निकला ना वो बैठा है वो है? हाँ वही बैठा है वो वाला। हाँ भैया। अबे उस नक्चड़ी लड़की की बात कर रहा है क्या तू? वो जो सामने के कॉलेज में पढ़ती है। हाँ भैया। वो जो रोज सुबह 8 बजे के बस से आती रहती है। हाँ भैया। वो काले रंग की बड़बड़ करने वाली बड़बोली। वो वाली नहीं भैया उसकी सहेली गोरी चिट्टी नशीली आंखें संगमरमर की मूरत जैसी वो वाली। वो गोरी वाली? हाँ। ऐसा क्या भैया? वो ना मेरे दिल में रहती है। अबे दिल उधर नहीं इधर होता है। देखिए ना भैया वो मिल नहीं रही है तो दिल का आइडिया नहीं किधर है। अभी सब भेजा में घुसा। एक बात बोलू क्या? आपने तेरे को उस बस से आते हुए कभी देखा नहीं रे जबकि एक हफ्ते से आप आ रहे ले। लेकिन मैंने आपको देखा है भैया। ऐसा क्या? हाँ भैया। ए मित्र मंडली। अरे मोहन इस प्यार के पंछी को कभी आप उनके बस में देखा है? कभी नहीं देखा। मैं तो भैया पीछे की सीट पे बैठता हूँ और वहीं से कल्टी ले लेता हूँ। सुना सबने ये अपना मोहन प्यारे बस में आगे खड़ा रह के कुछ उखाड़ नहीं पाया और ये प्यार का पंछी पीछे बैठ के दाना चुभना चाहता है। ये कैसे हो सकता है? एक काम कर सीधा उस लौंडिया के पास जा और क्या है उसके दिल में पूछना उसको। हिम्मत नहीं हो रही है भाई। तो क्या फैसला किया तूने? क्या फैसला करना? राजा नाम है अपन का तो इंसाफ करना कर्म है अपन का। अच्छा प्यार के पंछी तू कब से उसके पीछे दाना चुभ रहे लग रहे? पिछले 7 महीने से। गले का वॉल्यूम बढ़ा भाई। पिछले 7 महीने से भैया। और तू प्यारे? 5 महीने। अरे क्या यार कब से सवाल पूछे जा रहे हैं कुछ सोल्यूशन भी तो निकाल। लगता है सारा स्टॉक खत्म होने तक तू यही सवाल पूछता रहेगा। रे स्टॉक खत्म होगा ना तभी इस केस का नतीजा निकलेगा। तू पंछी 7 महीनों से दाना चुभ रहा है। हाँ भैया। प्यारे लाल तू 5 महीनों से लाइन मार रहा है।
बोले तो प्यार का पंछी माइनस प्यारे लाल तो वन। ओ पंडित जी, माइनस ये क्या ग्रह गिनने में लग गया है? अरे उसको डिस्टर्ब मत कर यार, वरना तेरे को दो बोतल और मंगवानी पड़ेगी। पंची माइनस प्यारे लाल का मतलब हो गया तू उससे दो महीना सीनियर। आपकी मैथ्स बिल्कुल सही है भैया। ये भाई आज की तारीख क्या है? आज कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष है, तीसरी तिथि है, मतलब 18 तारीख। अब देख कल से एक महीने के लिए ना। हाँ। बोले तो अगले महीने की 18 तारीख तक। हाँ। हम लोग उस बस में नहीं चढ़े। हाँ ठीक है। ये क्या बकवास किया जा रहा है? प्यारे लाल भावनाओं पे जरा काबू रख रहे। देख भाई तू चाहे आगे के दरवाजे से चढ़ या पीछे के दरवाजे से चढ़ या बस के छत पे चढ़ के जाए या फिर खिड़की पे लटक के जा। हाँ। अगले महीने जब उस बस पे चढ़ के जाएगा ना तो लड़की के बगल में बैठ के प्यार से गुटर को करते हुए दिखना। हाँ। तोता महीना की तरह चोंच से चोंच लड़ाते हुए। बस इतनी सी बात? अब मेरे जलवे देखना भैया, आप एक महीने बाद हमें देखेंगे ना तो आपको लगेगा हम जन्म जन्म के हमदम है। पर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अगले दिन से तेरी परछाई भी बस में पड़नी नहीं चाहिए। फैसला सही लग रहा है क्या? हाँ सही बोला है। तेरे को भी चलेगा ना रे? हाँ हाँ दौड़ेगा। चलो डन। तेरी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जज से कम नहीं है ये, कड़क फैसला है इसका। सबको दाना डालने के लिए बराबर मौका दिया, कानून का रिस्पेक्ट कर भाई। अरे भाड़ में जाए, ये घटकने के बाद कुछ भी बोलता रहता है। ओए, राजा की हर बात के पीछे बहुत सारे राज होते हैं, यू नो। स्वामी महाराज की जय हो। ये भाई ए ढीले, ओए उधर देख, उस दिन तो वो कुरियर बॉय बन के आया था, है कि नहीं? आज रॉकस्टार बन के तेरा बैंड बजाएगा भाई। उसका कॉन्फिडेंस देख के बोलता हूँ, एक हफ्ते में वो उस लड़के को चौंच मार के रहेगा। और भाई तो बाद में हिमालय पे चले जाना। अपनी काली जुबान बंद कर, ऊपर वाले मेरी रक्षा करना। अच्छा नहीं बोल सकता तो बुरा तो मत बोल। तो बात के बाद बोलूंगा ही नहीं भाई। अरे क्या टाइम पास कर रहा है, यह कुछ उखाड़ने वाला नहीं है तो इसकी बर्बादी का मंजर देख के जाए। तो बचपन से ही शरीफ था या वादे के चक्कर में शरीफ बन गया है? पायरेटेड गुरु का मौन व्रत लगता है तो आज उसका ये सस्ता चेला घूर घूर के चबा रहा है। ये मातम चलता रहेगा जब तक वो मोटा न न न न प्यार का पंछी उड़ता रहेगा। नमूना, ये नमूना हमेशा पीछे की सीट पर बैठता है और पीछे से कल्टी मारता है। आगे से डोर से चढ़कर कब से हमें घूरे जा रहा है साला, कुछ तो झोल है। तू रुक, अब इसकी कुंडली खोलती हूँ। संध्या सुनना, तू पता कैसे करेगी? तू बस देखती जा, रामिया का मजनू इस बस में है। जादू की छड़ी है क्या उसके पास? अरे वो एक चलता फिरता न्यूज चैनल है। क्या बोली वो? उसने कहा एक महीने के लिए तेरी मांडवली की है। मांडवली की? मैं पहचान वाली हूँ क्या जो ऐसा करेगा? तुझे एक्सचेंज ऑफर में रखा है, वही अपना राजा। ये माजरा कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, ठीक से समझाना। अरे यार मोहन और इसके बीच तुझे पटाने की तैयारी चल रही है, और राजा को जब इसका पता चला तो दोनों के बीच समझौता करवा दी। पटाने में इस गधे से ज्यादा स्मार्ट वो बंदर है। और तो और ये तुझे एक महीने तक पटाने की कोशिश करेगा। अगर तूने इस गधे को घास नहीं डाली तो वो बंदर चांस पे डांस मारेगा। शादी करवाने वाला दलाल है क्या राजा? मेरे मामले में टांकी उड़ा रहा है। उसकी क्या गलती है, वो तो बस अपनी दोस्ती निभा रहा है। ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ध्यान में तो रखना ही पड़े। हुँ?
क्या है रे? उस प्यार के पंछी ने मेरा पत्ता तो नहीं गुल कर दिया होगा? थोड़ा रुक जा रे। अरे रुक रुक के सूख गया हूँ मैं। कागज में लिख ले जो लड़की उस राक्षस से पड़ जाए उससे दूर ही रहने का। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। चलो 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 जल्दी 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 जल्दी। अरे लेट हो रहा है, चलना जल्दी। क्या रे वंटा है? तेरा वो प्यार का पंछी दिखाई नहीं दे रहा। मैं भी देख रहा हूँ किधर अंडा दे रहा है। राजा पीछे देख कैसे मुंह छुपा रहा है। ये बंधु तेरे बगल में जो जाड़िया बैठा है उसको बुला ना जरा। लो मुझे बुला रहा है। नहीं दुल्हन को घूंघट के पीछे शर्माते हुए देखा है कभी? ये प्यार के पंछी जरा इधर आना। बड़ी मुश्किल से सीट मिली, थोड़ा बैठने दो ना भैया। अबे आना। श्रीमान तुमने अपुन से पूरे एक महीने की मोहलत मांगी थी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा के उसको अपना हमदम बनाने की। हाँ नहीं फंसी क्या? इस प्यार के पंछी को तो दाना नहीं मिला, अब मोहन भाई को सम्मोहन करने देते। ठीक है तो बस से उतर अभी। लेकिन एक रिक्वेस्ट है भैया, मोहन भाई को भी एक महीने का टाइम दो ना, और अगर ये फेल हुआ तो। फेल हुआ तो क्या, फिर एक महीने के लिए ये चिड़िया दाना चुकेगा ना। क्या बात है यार, तू तो बड़ी डिमांड में है, लगता है ये गांधी जी का भक्त है, तेरा दूसरा चाटा खाने को तैयार है। क्या बोलते हो भैया? बस से उतर भाई। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई। तू बोला था दाल नहीं गलेगी तो घर पे जाके दाल भात खाऊंगा। डील में नो डील, वरना। अरे भैया ओके ओके। अरे भैया अगले स्टॉप तक तो बैठने दो ना बस में। प्यार के पंछी तुझे दिया हुआ एक महीने का टाइम एक्सपायर हो चुका है, अब अपना टाइम आया है, तू कहीं और जाके चोच मार। क्या क्या सीन चालू है तेरा? रोजे किसी और से रखवाता है, ईद कोई और मनाता है, कुछ तो बात है भाई। निगाहें उसने डाली, निशाना कोई और लगा गया। सच बता क्या जोलम जोल कर रहा है भाई? भंडा ये सबके पीछे कहानी है। कहानी में एक और कहानी, यानी कि तुम दोनों की फ्लैशबैक वाली स्टोरी भी है। सुनाना चालू कर भाई। चल ना, रात गई बात गई भूल जाए। अरे आज तो सुन के ही रहूंगा। वो अपुन अपुन डिग्री के फाइनल ईयर में था और फर्स्ट टाइम उसको देखा था। असली सीनियर तो तू है। ये कहानी बस से शुरू नहीं हुई रे, कभी मार्केट में तो कभी मंदिर में उसको देखा करता था। ना उसका नाम ना उसका एड्रेस, कुछ भी पता नहीं था अपने को। उसकी झील सी आंखें लाल मिर्ची के जैसे, उसके तीखे तेवर, पागल बना डाला था उसने अपने को। छेड़ेगा? माफ कर दो भाई, उसका पुना किसी नहीं छेड़ेगा, छेड़ेगा उसका सिस्टर है। माफ कर दो भाई। दीदी दीदी ये किसने दिया? चल भाग। दीदी ने दिल तोड़ दिया। ए, ए,
स्टॉप इट स्टॉप इट। क्या है? माय नेम इज राजा, लेकिन मंड्या के लोग अपने को बुलाते हैं किंग टाइगर। लाइन किंग तो सुना था, ये किंग टाइगर क्या है? राजा हुली, पीएस कॉलेज से बीए फाइनल कर रहे अपन, एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए, पूरा मार्कशीट एकदम क्लियर कट, प्यार का मार्कशीट भी एकदम क्लीन है, किसी और की तरफ झांका तक नहीं अपुन ने। हाँ, सारी लड़कियां अपुन पे ट्राई मारती है, क्या करेगा अपन इतना हैंडसम जो है, इसमें अपुन की क्या गलती? तू ये सब मुझे क्यों सुना रहा है? तेरे को नहीं तो क्या, तेरे बाप को सुनाएगा। कमिंग टू द पॉइंट, अपुन के अंदर एक तूफान है, बड़ी मुश्किल से काबू में रखेला है उसको, दिल से मजबूर है ना। व्हाट आई एम टेलिंग इज, जब से तेरे को देखा है ना तो दिल धड़कता नहीं है, फुदकने लगेला है। हकीम या डॉक्टर को दिखाना? अरे इसका इलाज उसके पास नहीं है रे सुना है। तेरे जैसे कमसिन को देख के जवान लड़कों के कलेजे में चिंगारियां भड़कने लगती है, और उनकी दवाई ना सिर्फ तुम लोग के पास ही होती है। इट्स लव, दिल तो बच्चा है ना। देख अपनी हरकतों से बाज आ जा। बोल बोल, अगर लड़कियां इतनी बेरहम ना होती ना तो शहर के सारे लड़के आशिक बनते ही नहीं। सोना तेरे को क्वेश्चन पेपर दे चुका है, टेक योर ओन टाइम, दिमाग से सोच के जवाब देना, अपने दिल की आवाज सुनना। देख प्यार व्यार के चक्कर में मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ। अरे दोनों सेम टू सेम है रे, अपने को भी प्यार व्यार में इंटरेस्ट नहीं है, सीधा शादी मना लेते ना। तेरे को लाइफ में और कोई काम नहीं है क्या? तूने ही कहा कि प्यार के लिए तेरे पास फालतू टाइम नहीं है। तेरी हरकतों को बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ, हर जगह पीछे आ जाता है। मेरे पापा तक खबर पहुँची ना, आशिकी का भूत उतर जाएगा। अपनी जान की परवाह है ना तो मेरा पीछा करना छोड़ दे। फिर से मेरा पीछा किया या मुझे रोकने की हिम्मत की ना, पूरे मोहल्ले को बुलाकर धुलाई करवा दूंगी। अरे आवाज नीचे करके बोलना, कूल डाउन कूल डाउन। मैं क्यों कूल डाउन रहूंगा? तू अपनी वाहियात हरकतों को सुधार ले, वरना मैं बता रही हूँ। ओके ओके गो, जाना। बड़ा आया आशिकी झाड़ने वाला। और कितना सस्पेंस, कॉलेज में साथ में, कैंटीन में साथ में, आते जाते साथ में, तो फिर यह वाला कांड कब और कैसे किया भाई? फाइनल ईयर में चिकनगुनिया की वजह से जब तू एडमिट हुआ था ना बेटा, तभी ये लोचा हुआ था। मैं चिकनगुनिया की वजह से हॉस्पिटल में 10 दिन भर्ती था, अगर कुंडली में लिखा होता उन दिनों मेरी मौत हो जाती तो मेरी पहली पुण्यतिथि के पहले तू एक बच्चे का बाप बन गया होता। दिमाग तो चला, तभी वो स्कूल की स्टूडेंट थी इसलिए जोर से चिल्लाई, आज तो कॉलेज में पढ़ती है, दो डाल लेगी। अरे अपुन क्या अपने लिए उसका पीछा कर रहा है क्या? सब मोहन के लिए चल रहा है रे, धुलाई होगी तो उसकी होगी ना। एक बात बोलूं क्या, तो सच में राजा है भाई, फौलादी हिम्मत, रुआबदार पर्सनालिटी। जब सालों पहले तुझे उस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया तो मोहन का क्या होगा? उस ढीले के पास न अकल है न सकल सूरत है, क्या खाक पटेगी, उसको तो चबा के फेंक देगी। तूने कभी गौर किया है क्या, झांसी की रानी टाइप की है रे वो, प्यार की कोई इच्छा उसके अंदर जागृत होती ही नहीं है रे। जाने दे भाई, तूने इतनी बड़ी बात अपने दोस्त से छुपाई। अबे वो मान जाती तो बताता ना तेरे को, दुनिया में हर सुंदर लड़की को देख के वो मेरी इच्छा मेरी इच्छा ऐसा तो नहीं कह सकते है ना अपन लोग, किसी की भावनाओं से खेलना अच्छी बात होती है क्या? अपन के फितरत में नहीं है ये। कितना बड़ा दिल है मेरे भाई का, तेरे बारे में तो किताबें लिखी जाएंगी, लड़की से मार खाने के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अपन ऐसा नहीं है, वैसे बिड़ू एक बार लड़की ने इग्नोर किया ना तो उसका चैप्टर वहीं पे क्लोज कर देने का, लेकिन अगर फिर से उस लड़की पे चांस मारेगा ना तो अपनी इज्जत का फालूदा हो जाता है। लिमिट क्रॉस काई को करने का रे, अपनी लक्ष्मण रेखा अपन ही खींचने का। प्यार किया है कोई चोरी नहीं की, ये 100% सच है। बचपन के दोस्त को एक बार भूल सकते हैं मेरे भाई, अपने अतीत को भी भूल सकते हैं, पर पहले प्यार को कभी नहीं भूल सकते, और भूलना भी नहीं चाहिए भाई। पता है क्यों? फर्स्ट लव इज बेस्ट लव। एक बात बता भंडा है, तेरा पहला प्यार कौन है रे? मैं मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज में? अबे अपन पूरा टाइम तेरे साथ बिताया, ये कब हुआ रे? गलती से जमाल गोटा खा के तूने 3 दिन की छुट्टी ली थी ना, तब पटा लिया था। हेलो, क्या डिसाइड किया तूने? आजा मेरी बुलबुल, चलती है क्या? अपनी बाइक की टंकी एकदम फुल है। आओ क्या? सीट खाली नहीं तो क्या हुआ? अब तेरे को अपनी गोद में बिठा लेगा रे। ये शाना कौन है बे? बोला था ना बस में राजा हुली है, ये वही भाई है। ए, अंदर हो ले बेटा, अच्छा बच्चा बन और अंदर चला जा, समझा? अंदर जा बे, अंदर जा, चल। घूरने वालों की आगे फोड़ देता हूँ मैं, पंगा नहीं लेने का, सीधा अंदर जाने का, चल बे अंदर। आप कैसा, अच्छे बच्चे की तरह अंदर चला गया।
क्यों रोका आप उनको? यार इन मवालियों के मुंह लग के तू क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? अबे कैसा इंसान है, ए, बस रोक रहे सुन। अरे राजा इनकी मदद की तो हम पर पुलिस केस हो जाएगा। ए, ये बेचारा यहाँ पर मरने की हालत में पड़ा है और तेरे को पुलिस केस की पड़ी है? कोई करे ना करे हम तो इसकी मदद करेंगे। चल उठा। आराम से एम्बुलेंस को रख, एम्बुलेंस में रखते हैं। जल्दी चलना। आराम से जल्दी आओ। चलो चलो जल्दी चलो। ए मन ही मन क्यों हंस रही है? आजकल तो तू अजीब हरकतें करने लगी है। तबीयत तो ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है रे। वो तीनों आदमी बहुत बड़े गुंडे थे, फिर भी उन्हें बचाने के लिए उसने खुद की जान को खतरे में डाल दिया। क्या रे ऐसे क्यों देख रही है? कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही थी? यही कि कल तेरे साथ कॉलेज आना ठीक होगा या नहीं। क्यों? पता नहीं क्यों तेरे बाप की शक्ल याद आ रही है। मैं नहीं डरती उनसे। अरे ये देख कल वाला मैटर अखबार में छपा है। अखबार में पकोड़े खाने वाले अखबार पढ़ रहे हैं। ए ड्यूटी पे लग जा। ए भाई आने लाए राजा हुली जी। राजा हुली जी। ए रुको रे ये फूलों को मारा ये 70 गाय के लिए। क्या क्या जय जयकार फोकट का उधार और सुंदर लड़की से मिले प्यार को मना नहीं करते। राजा हुली की ये क्या पब्लिक पागल हो रही है? जरूर कोई काला जादू किया होगा। बेटा ऊंचाइयों पे चढ़ रहा है, गिरेगा तो हड्डी पसली नहीं मिलेगी। राजा हुली की जय। ए अरे क्या है ये सब की क्या जरूरत है? भाई आपने तो बिना अपनी परवाह किए उन तीनों की जान बचा ली। अरे कौन सा बड़ा काम किया है? जो ठीक लगा वो किया आपने। लंबी उम्र लिखी थी उनकी तो वो बच गए। ये आपका बड़प्पन है भाई। वो तीनों कल आपको मारने की धमकी दे रहे थे, उसके बदले आपने उनकी जान बचाई। ये सब कुछ देख के हम सबका दिल जीत लिया आपने भाई। हे प्यारे भाई विरोधी को हराने के बारे में मत सोचो, उनका दिल जीत लो। दुश्मनी से कुछ हासिल नहीं होता रे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसको तू ही पहन ले। एक डाउट है, तू और मैं हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं ना, तो जिस टीचर ने तुझे सिखाया हमको क्यों नहीं सिखाया भाई? सोच सोच के टेंशन हो रहा है। तू काय को अपना 32 ही दिखा रहे है? अब जाना, दिल में जो फीलिंग है वो उसके सामने बोल डालना। आज तो चूहा दहाड़ मारेगा। आज जाने देते, कल बोलता हूँ ना। काई को आजकल मेरा राहु काल सही नहीं चल रहा है। कल भी तेरी कुंडली में राहु काल ही होगा। ए ढीले कालवाल के चक्कर में तेरी नवाब की गाड़ी छूट जाएगी। प्यार में काल नहीं होता, सीधा जाल होता है। अबे यड़ा है तू, आज समझ में आया? तेरे जैसे बेवकूफों की वजह से आज हर चैनल पे ज्योतिष दिखाई देते हैं। फूटे भाग हमारे, प्रपोज करने के लिए मुहूर्त चाहिए, घर जाके गोदड़ी ओढ़ के सो जा। व्हाट इज दिस? ओ ये ओ कुल कुल कुल। कहा था ना फिल्म हिट है, टिकट नहीं मिलने वाली। अरे बुद्धि नहीं है क्या? इधर फिल्म देखने कौन आया है? इसकी हीरोइन की छुट्टी होने तक टाइम पास करना है बस। मुझे पता था कुछ ऐसा ही लोचा होगा। हाँ भाई भाई। अरे ओ मेरी फिल्म के बारे में छोड़ना, जाके इस फिल्म की टिकट लेकर आ। अपनी नाक कटवानी है क्या? मेरी जूती भी टिकट ना लाए, हीरो अपने साथ है। हम टिकट नहीं लाएंगे, टिकट खुद चल के हमारे पास आएगी। भाई 5 टिकट काफी है ना? देख लिया। थैंक यू भाई। चलो रे 3 टिकट और मिलेंगे क्या राजा होली? अरे जग्गा कैसा है रे? फिट एंड फाइन। और बता जग्गा। बस एकदम मस्त। अरे कैसा है? कैसा है भाई? भाई अरे 5 पांडव बोला था ना, ये लास्ट वाला है। हेलो हेलो, बहुत तारीफ सुनी इससे। अरे भरत किधर मिला वैसे तेरे को ये? अरे इसे ढूंढना बहुत आसान है, जब भी कोई सिटी में नई फिल्म आती है ना, ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो वही होता है।
आज इस गांव में कैसे दिख गया बे? कहाँ गायब था वैसे तू? अपने भाई की मदद करने राइस मिल जाने लगा हूँ। उनके गांव में अपन सेटल हो गया। गांव के लोगों का दिमाग ठीक है ना? तुझे रख लिया? अरे कुछ भी बोलता है तू। वैसे तेरी भाभी के बहन के साथ बात चल रही थी ना? वैसे एक बार बात तो चलाई थी, लेकिन वहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला यार। ग्रीन सिग्नल के चक्कर में पड़ेगा ना तो जेब्रा क्रॉसिंग भी पार नहीं कर पाएगा। इससे अच्छा रास्ता ही बदल ले। अगर भाई का दिल उस पे आ गया तो चाहे कुछ भी हो जाए अपन उसको पटा के रहेगा। वो भाई को ना नहीं बोल सकती। अबे इसको अंदर से लेके बाहर तक अच्छे से जानता हूँ, पूरा पी चुका हूँ इसको। एक बात बता, ये फूल फुलवारी कहाँ से लाया रे? अच्छा लग रहा है। अरे ये तो नहीं है भाई, दोस्त से उधार लिया है। जब भी कोई नया कपड़ा लाता है उसका उद्घाटन अपना भाई करता है। तेरी भीख मांगने वाली आदत गई नहीं है? गलती से भी इससे पहले कोई शादी मत कर लेना, इनवाइट तो बिल्कुल मत करना। मैं बिना बुलाए आ जाऊंगा। कॉलेज में तेरे पे सिर्फ डाउट था, आज तो यकीन हो गया भाई। अरे दरअसल बात ये जान ना पाए। अब चले, शो का टाइम हो गया। चलो भाई पहले पिक्चर की लव स्टोरी देख लेते। या अल्लाह, इसके ऊपर इश्क का भूत चढ़ा है क्या? ओ जीन सब चढ़ा है, इसके लिए दुआ करो, निकम्मे का भूत उतार दो। खुदा तुझ पर रहमत दिखाए, या मौला या अल्लाह। ये धुएं का क्या चक्कर है? तुझे इल्म नहीं है, इस पाक धुएं में बहुत असर है, लड़की यकीनन मिल जाएगी। ये लो पकड़ो, ये रूहानी तावीज है, अपने दोस्त को बांधो, इसका इश्क कामयाब हो जाएगा। बस आ गई लिए, फकीर से दुआ आशीर्वाद सब कुछ ले लिया है और अभी राहु काल भी नहीं है। आज आर्या पार करके नहीं दिखाया ना तो लानत है अपनी जिंदगी पे। जा बोल दे उसको। अबे जाना। एक काबिरी वो हमारी तरफ आ रहा है। अरे बाप रे, प्रपोज करने तो नहीं आ रहा है? लगता तो यही है। तेरे हाथ पैर ठंडे क्यों हो रहे हैं? अगर दिल की बात नहीं बोल पाया तो, कुछ गड़बड़ हो गया तो, लाइफ में मेरा ये पहला चांस है। हेलो हेलो हेलो, किसको बोला? ये चुटकी बजा के तू इंप्रेस किसको कर रहा है हा? मैं ऐसे इंप्रेस नहीं होने वाली। प्लीज शांत हो जाइए ना, जरा धीरे से बात कीजिए। तू धीरे से बात नहीं कर सकता। ये लक्ष्मी शांति से बात। ए तू चुप रह, इसने क्या हमें गांव की भोली भाली लड़की समझ रखा है? हम भोली नहीं है। लड़की शांति से बस में बैठ के जा रही है, हजम नहीं हो रहा है। बारा के गांव में गया कर रहा है, घर में तेरे माँ बहन नहीं है? शर्म नहीं आती तुझे? मेरी हिम्मत कैसे हुई? भोली भाली लड़की का पीछा करना शोभा दे रहा है क्या? अब मेरे भाई और पापा को पता लगा ना कि तू बस में मुझे और मेरे दोस्त को छेड़ रहा है तो वो तुझे नहीं छोड़ेंगे, समझा? मैं आपसे कुछ कहने नहीं आया था, मैं ऊपर रॉड पकड़ा था तो सोचा कि ये बुक आपको पकड़ा दूं। पूरे बस में बुक देने के लिए हम ही मिले हैं क्या? बदन में ताकत नहीं है? और भी तो पैसेंजर बैठे, उन्हें जाकर क्यों नहीं छेड़ता? इट्स ओके मैडम, मैं खुद ही पकड़ लूंगा। किधर है रे वो फकीर? अगर वो नल्ला है तो इस फकीर की क्या खता है? हाँ ना कॉलेज में ठीक से पास कर पाया, ना लड़की का मैटर में पास हो पाया, चुल्लू पर पानी में मर क्यों नहीं जाता रे तू? उस बस के नीचे सुसाइड कर लेना। तू मेरा लंगोटिया है ना, एक काम कर, तू उसे मेरी दिल की बात कह दे। ये बताएगा उस लड़की को? अबे अपन को कुरियर वाला समझ के रखा गया? बस ये बोल के मेरे दोस्त का दिल तेरे पे आया है और ये पूछ के वो क्या सोचती है? तू मेरा लंगोटिया यार, इतना सा काम नहीं कर सकता? इतनी खुजली है तो खुद जाके खुजा लेना। मैं बात कर रहा हूँ ना, तू क्यों बीच में बोल रहा है यार? तेरे से रिक्वेस्ट किया क्या मैंने? मेरा प्यारा दोस्त है ना, प्लीज मान जा, इतनी छोटी सी बात है यार। बात पिछली बार अपने हीरो की खटिया खड़ी कर दी थी हीरोइन ने, इस बार सैंडल उतार के मारेगी, फ्लैशबैक वाला इतिहास दोहराया जाएगा। ए उधर देख, राजा खड़ा है। अरे टेंशन मत ले यार, राजा नाम रख लेने से
कोई राजा नहीं बन जाता। सुनना, वो हमारी तरफ ही आ रहा है। आने देना, इससे कैसे निपटना है मुझे अच्छे से पता है। अरे साइड हीरोइन, तेरे को हर बार बोल के समझाना पड़ेगा क्या? मालूम है ना इससे बात करने के लिए आया लाया अपुन? तो कबाबे हड्डी गाय को बंद रह लिया, चल फूर हो जा। एक मिनट और अपनी मनहूस शक्ल दिखाएगी ना तो बस स्टॉप पे ले जाके उस प्यार के पंची से मिला दूंगा। आपने को मेन मैडम से बात करनी है, उसके क्लर्क से नहीं, तो जल्दी से कल्टी मार ले चल। अरे अभी तक निकली नहीं क्या? चिपकी रहती है चिपकली, चल भाग। अबे निकल ना, किडनैप करके नहीं ले जा रहा हूँ तेरी सहेली को। हाँ क्यों रे मिस वर्ल्ड, अपने चिकनेपन पे बहुत घमंड है क्या तेरे को? लोग अपुन के तेवर से डरते हैं और तू अपुन से एक कदम आगे निकल रही है। बड़ा मजा आता है ना तेरे को सीधे साधे लड़कों को तड़पाने में। कितने आशिकों को घायल कर चुकी है अब तक? औरों की बात नहीं जानते अपुन, लेकिन अपुन का फ्रेंड तेरे पे फिदा है ये जानती है ना? छिपकली को सबक सिखाता हूँ, ये खचा। पता है कि नहीं तेरे को? पता है। तो इमोशनल अत्याचार काई को कर रही है उसपे? बहुत मजा मिल रहा है क्या? लव है तो हाँ बोल डाल, नहीं तो ना बोल देना सीधे। मुझसे बात करने में उसकी हवा टाइट हो गई, दरवाजे पे लटक के दांत फाड़ देता है बस, या कायर की तरह पीछा करता है। मुड़ के देखती हूँ तो भाग जाता है फट्टू। किसके सामने जाकर हाँ कहूँ? तू कहे तो उसके बाप से जाकर बोल दूँ। बाप की क्या जरूरत है, उसकी तरफ से मैं आया हूँ ना, तो मेरे से बोलना उससे प्यार करती है कि नहीं करती है। ओके। सच बोल रही है क्या? फिरकी तो नहीं ले रही है ना? ओके का यही मतलब है ना? अरे तो 6 महीने पहले ये बात बोल सकती थी ना, खाली फोकट उसका और आप उनका टाइम खोटी कर दिया। लड़कों को टॉर्चर करने में क्या मजा आता है रे तुम लोग को? ये ओके उस लंगूर के लिए नहीं है, तेरे वास्ते। क्या बोली तू अभी? मैं बोली तेरे से प्यार हो गया मेरे को। ये क्या क्या बंकस कर रही है तू? अरे ये मदन जौहर का कोई फालतू लव स्टोरी नहीं है, जा पैर पड़ता हूँ, जा जा। प्यार करना गुनाह है क्या? दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या तेरा? जब आपू ने प्रपोज किया था तो पब्लिक के सामने अपन की इज्जत का भाजीपाला बना डाला। और क्या करती मैं, एक बार में मान जाती क्या? शादी कर ले, बच्चों की फौज खड़ी कर दे, फिर से ट्राई मारना चाहिए था ना। ये तेरे को सोचने का टाइम दिया था ना अपुन ने, तो तूने अपन को पब्लिक से पिटवाने की धमकी दी थी, याद है ना? छोटी बच्ची थी रे, उस वक्त मेरा भेजा काम ही नहीं कर रहा था। तो आज क्या हो गया? अब बच्ची बड़ी हो चुकी है, फिदा हो गई है तुझ पे। अरे अपन अपने दोस्त से क्या बोलेगा, उसकी भावनाओं का क्या करेगा? तेरे को पता है तेरी सिर्फ एक झलक के वास्ते मैं रोज उस बस में जाती थी, वो मेरे को लाइन मारता था, उसमें मेरी क्या गलती है? तूने क्वेश्चन पेपर सेट किया, मैंने जवाब दे दिया। अपने दिमाग से चेक मत करना, दिल से करना, कोई घाई नहीं है मेरे को। टेक योर ओन टाइम, सेम प्लेस सेम टाइम टुमारो। मैं क्या बोल रही हूँ तेरे से, एक ही नाव में सफर करते हैं ना। बाय, सी यू। भाई कबाब पका के काला कर दिया, ऊपर से नमक भी ज्यादा पेल दिया। hey, क्या कबाब कबाब कर रहा है यहाँ, मेरी लव की खिचड़ी नहीं पक रही है। बताना राजा उसने क्या जवाब दिया? उसको भूल जाने में भला ही है। ए चिक्का, एक बार तू पूछ के देखना इसको। भाई उसने भूलने को बोला ना तो भूल जाना। ये जो बोला वो तो मैंने भी सुना, पर मुझे ये जानना है कि उसके दिल में मेरे लिए क्या है। ए भाई, गटर का कीड़ा जोर से बुलबुला रहा है, जल्दी से फिनाइल मार दे। किस मुंह से ये बात बोलेगा? बोले तो रेडियो टीवी वालों को बुला दू। अरे कैसे बोलू उसको, आप उनसे प्यार है। मुझे क्यों घूर रहा है, उसको घूरना। इधर ला, इसकी जरूरत तुझे नहीं है बेटा, इसको है घटक ले। आराम से पी भाई, स्लोली, कोई नहीं छीनेगा, ये तो पहली चोट है भाई।
सुन मोहन, तेरे पहले और भी लड़के ट्राई कर चुके हैं उस पे। स्कूल वाली बाली उम्र में एक उसका कड़क आशिक था, अपना हीरो राजा। ये क्या कह रहा है यार? मोस्ट सीनियर आशिक, कली तो फूल बन गई है लेकिन अपना जो भवरा है ना उस पे ऐसे गोल गोल चक्कर भी काट चुका है। यार राजा को वही मिली थी क्या पटाने के लिए? तू तो उसके इश्क में पागल हो रहा था, वो दिल कैसे तोड़ता? तूने उस पे डोरे डाले और उसने राजा पे रस्सी डाली। लड़की ने बता दिया कि उसको कौन पसंद है, तो उलझन तो सुलझ गई ने भाई। पी ले बेटा, पी ले। एक एक बूंद पर तेरा हक है भाई। देवीदास ने परी को भुलाने के लिए जितनी पी थी उससे ज्यादा पी, घटक घटक के पी। बेवड़ा बन जा, इसके लिए और मंगवानी पड़ेगी। अब आगे क्या होगा? टुमारो सेम प्लेस सेम टाइम, व्हाट आर यू टेलिंग भाई? तू बताना क्या बोलूं? मेरा बताया हुआ कोई कभी करता है क्या? जल्दी आ चला। जी भाई। हेलो। ए सोना, बस रवाना हुई क्या? मूड गाई को ऑफ है। सुबह से तेरे को देखा नहीं ना, इसीलिए। ए पागल, अरे तूने तो बोला था ना कि एग्जाम तक अपन लोग को मिलने का नहीं है। मैंने ऐसा बोला? झूठे कहीं के, तेरे को पता मैं कभी झूठ नहीं बोलती। और इधर दे। हेलो जीजा जी, ये झूठ बोल रही है। एक दिन हाँ कहेगी तो दूसरे दिन ना कहेगी। आप इसकी बातों में मत आना, जिंदगी भर गुलाम बन जाओगे। इस पगली को पढ़ाई करना है इसलिए कुछ दिन दूर ही रहिए, समझ गए? बाय। हेलो मिस इंडिया, घूर क्यों रही है मुझे? मैं अकेला नहीं था, और भी लोग पड़े थे तेरे पीछे। अरे कितने लौंडों का दिल तोड़ा रे तूने, हम सबको ठेंगा दिखाया और उस राजा से डेडिश के लड़ाया। तू समझती क्या रे खुद को? तेरे चिकने से कम नहीं है हम, चाहे तो आजमा के देख ले। देख, बकवास मत कर वरना अच्छा नहीं होगा। भूल दे रही है क्या मेरे को? जो तूने किया वो सही था क्या? क्या कमी थी मेरे अंदर? अच्छा एक बात बता, तू उससे सच में शादी करने वाली है या टाइम पास कर रही है? जी, वो आज बस स्टैंड आया था और मुझे धमकी देकर गया। मैं उसका टॉर्चर ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो प्यार के पंछी, किसी कीड़ी ने काटा है क्या? अभी मैं नहीं दिखेगा तो उसको टॉर्चर करेगा तू? टॉर्चर नहीं है भाई, लव है। लव? लव है क्या? हाँ। अबे हम लोग पहले से लवर्स हैं और ये बात तू अच्छे से जानता था ना। भैया आप अपना प्यार जारी रखो ना, लेकिन किस किताब में लिखा है कि मैं ट्राई नहीं कर सकता? ए तेली गली, पहले ही तू अंधे मुंह गिर चुका है, अब तक तेरे को अकल नहीं आई? तेरे लिए कोई भैंस बनाई होगी भाई, बस उसको ढूंढ ले, तेरी जोड़ी मिल जाएगी। या वो ढूंढने के लिए भी हम तेरे साथ आए? मेरी हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये बात सबको पता है। अभी तेरे को अलग से बताना पड़ेगा क्या? कल से अपना रूट चेंज कर दे। हाँ ये तो नाइंसाफी है भैया, अपने दोस्त के प्यार को तो आपने आसानी से छीन लिया, अब आपसे मैं आपका प्यार नहीं छीन सकता क्या? ए कटिंग चाय पी और चुपचाप कट ले। क्यों जाऊं मैं? जब तुम उससे प्यार करते थे तो भैया ने मुझे एक महीने का टाइम दिया था, है ना? और इस बार भैया का प्यार है तो भैया का फर्ज बनता है ना, मुझे 15 दिन का टाइम दे बस, मैं संभाल लूंगा। पक्का प्रॉमिस है भैया, मैं उसका दिल जीत लूंगा इस बार। अबे आप मेंटल, तेरे भेजे में बात घुसती नहीं है क्या? अबे मैं उसका लवर हूँ। बताया मैं लवर बॉय। भैया उसका पीछा करते करते मेरा रंग काला पड़ गया, उसी के चक्कर में कल डायमंड फेशियल करवाया भैया। और 15 दिन दे दो आप बस, सोना बेल्ट लगा के सिक्स पैक बाहर और लड़की अंदर। पटेगी और क्या भैया, इस बार मैं नाक नहीं कटाने वाला। देखो भैया, इस बार अगर मैं फेल हुआ ना तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शहर छोड़ दूंगा मैं, खाली भेजे की कसम। विश मी गुड लक, हाथ मिलाओ ना भैया। क्या रे, उंगली दिया तो हाथ पकड़ रहा है, सीधी बात समझ नहीं आ रही है? अबे ओए
क्या प्रॉब्लम है तेरा? 440 वोल्ट का प्यार है मेरा, तेरी तरह नहीं जिसका पहली बार में फ्यूज उड़ गया। बहुत दम है मेरे अंदर। सीधे सीधे बात तेरे भेजे में नहीं जा रही है क्या? अबे तू मुझे क्यों मार रहा है? अबे मैं तो तेरा बदला ले रहा था भैया से। तुझे मेरे साथ मिलकर भैया को सबक सिखाना चाहिए, समझा? तू नादान है रे, तुझे मेरे जैसे असली दोस्त की कदर नहीं है। अरे तेरी खोपड़ी सटकी हुई है क्या? तुझे तो मैं ए साइको लवर, तेरे को आखिरी बार बोल देता अपनी लवर से दूर रहने का, समझा? वरना भारी पड़ेगा। चलो रे। कुछ करूंगा, देख लूंगा। हेलो। अच्छा बस में बैठ गई क्या? बैठ गई। वो साइको लवर बॉय दिख रहा है क्या कहीं? नहीं। ठीक है, आज के बाद वो बस में आएगा ही नहीं। कोई बात नहीं, तू आराम से कॉलेज में जा और अपना मन लगा के पढ़ाई करना। दोस्तों तुम्हारी भाभी आ रही है, तैयार हो ना? वो भैया मुझे वहां ढूंढ रहा होगा, लेकिन उसको क्या पता मैंने तो बस स्टॉप ही चेंज कर लिया। बिल्कुल सही किया। शकल के साथ मेरी अकल भी स्मार्ट है ना। प्यार का पंछी सिर्फ दाना नहीं चुगता, शिकार भी करता है। चलो रे। हाँ बोल, क्या हुआ? निकल गई हेकड़ी तेरी। क्या सोचा तेरे 2% के आशिक से मैं डर जाऊंगा और तेरा पीछा छोड़ दूंगा? तेरे यार जैसे बहुत देखे मैंने, दिन रात तेरे लिए मैंने पसीना बहाया और अब मेरी चिड़िया को लेके कोई और फूर हो रहा है। बड़ी कमीनी है रे तू। तू अपने आप जाएगा या मैं नीचे आऊं? ए साइड हीरोइन, तेरा रोल ज्यादा नहीं है, बैठ जा। तू इसके साथ इसलिए घूमती है ना ताकि मेरे जैसे स्मार्ट लड़के तुझे भी देखे। रुक रुक रुक, चढ़ दे। उसे दूर रहने का। तमीज से बात करो भैया। फिर से हाथ दिखाएगा ना तो काट डालूंगा उंगली, समझा? देखो भैया, अगर आपके पास एक गुंडे और पंटर लोग हैं ना, तो मेरे पास भी बंदर और लंगूर लोग हैं। ए, मेरे साथ जो है वो गुंडे या पंटर नहीं है, दोस्त है आप उनके। हाँ मतलब सोच के आयो, 20-20 खेलना। अपने हाथों से अपनी कबर खोद रहे तू, अभी भी मौका है, निकल जा। देखो भैया, मैं शक्ल से शरीफ लगता हूँ लेकिन मैं अंदर से बहुत। मास्टर बस पुलिस स्टेशन को लेके चल। अरे 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 ये क्या हो गया? मेरे बेटे को किस
मार डाला। शुक्र मनाइए कि अखबार में लड़की का नाम बदलकर कविता लिखवा दिया मैंने। जानते हैं असल में ये कविता कौन है? तेरे से बात कर रहा हूँ। क्या कह रहा है तेरा जीजा? अखबार में तेरी खबर छपी है ना? कुछ पूछ रहा है तेरा बाप तुझसे? जवाब देना, तेरी ये बड़ी बड़ी आंखें नोच डालूंगा अगर नहीं बोली तो। एक क्षण भी चुप रही तो तेरी जान ले लूंगा मैं। लड़ने के लिए कॉलेज भेजा तुझे, वहाँ इशकबाजी कर रही है, लड़कों को पटा रही है, तेरी वजह से आज एक मौत हो गई। हर अखबार में तेरी फोटो छपी है, खबर छपी है। कावेरी, तू ठीक तो है ना? एक बार भी परिवार के बारे में नहीं सोचा तूने? अपनी जान से कहीं ज्यादा मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। कितना प्यार करता है तुझसे, दोनों की शादी करवा देता, पर तुझे तो गुलछर्रे उड़ाने हैं ना। इस उम्र में बच्चे गलती करते हैं, उन्हें समझाना हम बड़ों का काम है। बैठकर शांति से बात करते हैं। आइए आइए आइए। ठीक तो है ना बेटा? देखो शंभुना, सबको सलाह देते हो लेकिन इतना भी नहीं समझते। जवान बेटी है, उसे डरा के या मार के नहीं समझाया जा सकता है, ये प्यार है। क्या कभी फिल्म या टीवी में नहीं देखा है? आए दिन लड़के लड़कियों के ऐसे मामले अखबार में छपते रहते हैं। इसे सुलझाना आदमियों के बस की बात नहीं, ये काम औरतें अच्छे से कर सकती हैं। कैसा भी कांटा फंसा हो वही निकाल सकती हैं। ईश्वर ने अलग हुनर बख्शा है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। यकीन मानिए, एक बार हमने जो वचन दे दिया उससे हम कभी भी मुकरेंगे नहीं। जान दे के भी अपना वादा निभाएंगे। आप भी मन से ये बात निकाल दीजिए, इत्मीनान से घर जाइए। चलता हूँ। चले जगा। हाँ भाई। क्या हुआ जग्गा, मुंह क्यों सुजा के रखा है? कावेरी पे गुस्सा आ रहा है क्या? माँ, कावेरी से कोई शिकवा नहीं अपन को। वो जो पेपर में जिस राजा उली की खबर छपकर आई है ना, कॉलेज में अपन के साथ पढ़ता था, अपन का जिगरी दोस्त था। अपनी दोस्ती को भुला के उस गद्दार ने अपन की पीठ में छुरा घोंप दिया है, बस इसीलिए। कावेरी के बाप ने मुझे वचन दिया है, अपनी जान दे के भी पूरा करेगा। तू आगे की सोच, बिंदास रहे। दीदी? हाँ? दीदी आओ। सावित्री, कावेरी कहाँ है? दीदी छत पे कपड़े सुखा रही है, जाके उससे बात कर। ठीक है, पूछना। मैं बात करती है ना। अच्छा सुनना, कहीं चले क्या? जो उससे अच्छा लड़का मिलेगा ही नहीं कावेरी, समझ मेरी बात। तेरे लिए वो लड़का अच्छा नहीं है, जग्गा सही है। एक बार तू उससे बात तो करके देख। रही यार, करती हूँ ना। देख, सारा दिन इस तरह मुँह लटका कर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। देख क्या चोटी बनाई मैंने तेरी। तू आ गया? एक लड़की के लिए तुझे जेल की हवा खानी पड़ी? अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया पुण्य, जो हुआ वो सब कुछ भूल जा। चलते हैं, चलो। पापा नहीं आए क्या? इस वक्त वो वकील के ऑफिस में गए हैं। सर आप जाइए ना प्लीज। हाँ चलता हूँ। अरे तू, सॉरी भाई, अपुन मिलने जेल नहीं आ पाया। कोई बात नहीं यार, वो क्या है, अपुन तेरे पास ही आने वाला था। जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था रे। अरे भूल जाओ उस बात को, चैप्टर क्लोज है। ए चिका, अपने अड्डे पे चलते हैं, अपना दोस्त रिहा हुआ है, आज पार्टी तो बनती है, चल निकलते हैं। अरे अपुन अभी अभी तो बाहर आया है, इसीलिए तो जाना है ना, लाइफ में ये सब चलता रहता है यार, अपने बस में थोड़ी ना है। चल बैठ, पीछे बैठना। ए चल, ए जा उसके पीछे। ए सुन, दो पैक और ला, ये ले। अरे नहीं यार, तुम लोग पियो रे। अरे पानी समझ के पी ले ना। अरे अभी अपन का मूड नहीं है यार। अरे दो घूंट पीना मूड आ जाएगा। अरे क्या यार, उसका पीने का मन नहीं है तो जबरदस्ती क्यों कर रहा है?
अपुन नहीं समझा सकता कैसा महसूस हो रहा है अपने को वो उस दिन। अरे यार भूल जाना उस बात को, जानबूझ के तो नहीं मारा ना तूने, लेकिन तूने बोला था एक बार कि एक दिन उसे सबक सिखाएगा और तूने करके दिखाया, ये तूने गलत किया दोस्त, ऐसा नहीं करने का था। वैसे देखा जाए तो देख गलती उसका भी है, तूने उसको साफ बता दिया था कि तुम दोनों का सेटिंग है, फिर भी वो लड़की को तंग कर रहा था। तेरी जगह मैं होता ना तो मैं भी यही करता, अगर इतनी सी बात नहीं समझा तो काय का फ्रेंड है तेरा, छोड़ना एक घूंट मारना। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है बे? देख भाई दुनिया अपन के बारे में चाहे कुछ भी बोले अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी फैमिली क्या बोलेगी इसका अपन को बहुत चिंता है। राजा तू किस मुसीबत में फंस गया, ठीक तो है ना तू? रोना धोना बंद। राजा इतने दिन तुझे जेल में रहना पड़ा ये सोच के मेरी जान निकल रही है बेटा। तुम्हारा शेर बेटा है ये। मेरा राजा, मेरा शेर, किसने तुझे जेल में भेजा? ले चल मुझे उसके पास, उसने जंगल के आजाद शेर को बांधने की हिम्मत की। हम शिकारियों के खानदान से हैं, हमसे पंगा लिया उसने, मुझे एक बार जज के सामने ले चल, उसकी मुंडी ना मरोड़ दी मैंने तो मैं तेरी दादी नहीं, तुझे जेल तोड़ के आना था जज की। शेख चिल्ली बनना छोड़ दो, हजम नहीं हो रहा, आपके लाड की वजह से ही इतना बिगड़ गया ये। टीवी सीरियल देख लिया तो अब जाओ। चलो हाँ हाँ चलो निकलो, एक आध घंटे में पहुंच जाएंगे। हाँ, पास में तो है। अरे कुछ अकल वकल है कि नहीं? बेचारा जेल से छूट के आया है, किसी ने इससे पूछा कैसे कुछ खाया पिया कि नहीं? किसी को परवाह नहीं सिवाय मेरे। इसे ले जाकर खूब अच्छे से मालिश करो, फिर गर्म पानी से नहलाओ, फिर दिया जलाकर इसकी नजर उतारो। आजा बेटा। पधारी मयूरी जी, राजा से मिलने आई हो? मेरा पुराना आशिक जेल से छूटकर आया है तो मिलने नहीं आऊंगी? ये मेरा पहला प्यार जो है। राजा ये बात सुनकर मन में लड्डू फूटा ना, इससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ नहीं होता। क्या मतलब है आंटी? इसे भाव नहीं दिया इसीलिए ये आज तक कुंवारा घूम रहा है। शादी से पहले मेरे पापा ने मेरी राय कहाँ पूछी थी? जो बीत गया उस पर क्या रोना? अरे इसने लफड़ा क्यों किया? चुपचाप शरीफों की तरह बाइक पर घूमता रहता, किसी ऐरी गैरी फालतू लड़की के लिए किसी की जान क्यों ली? शहर में वही सुंदर लड़की थी क्या? अरे पास में ही इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, प्यार करने के लिए इसे चुड़ैल ही मिली थी क्या? दादी हाँ? लड़कियां जब चुप रहती हैं तो और भी ज्यादा सुंदर दिखती है ना, और ज्यादा बोलने से उनकी सुंदरता कम हो जाती है। लड़की चुप रहे तो ही सबको सुंदर दिखती है, दिल की बात बोलने वाली सबको बदसूरत ही लगती है। कल से मैं भी उसी बस में सफर करने वाली हूँ, देखते हैं कितने मर्द मुझ पर लट्टू होते हैं। आंटी जब तक मैं उस लड़की के लिए हाँ ना कह दूँ तब तक इस रिश्ते की बात अगर आगे बढ़ाई तो मैं तहलका मचा दूंगी। तू होती कौन है हाँ कहने वाली? मेरा पोता जिस लड़की को भी हाँ कह देगा उसका बाप भी शादी को रुकवा नहीं सकता। तू कौन होती है? ए, दीदी दीदी आपका बच्चा रो रहा है, ये लो मालिश कर अच्छे से। ओले ओले ओले। वाइब्रेशन मोड पे क्यों है? इसने जानबूझकर किसी का कत्ल नहीं किया है। ये ऐसी कमजोर डरपोक लोगों की वजह से ना हर ऐरा गैरा चिरकुट आजकल खुद को गुंडा या भाई समझने लगा है। अभी कहीं अपने को राजा हुली की जगह राजा किलर के नाम से बुलाने ना लग जाए। भाई तो बोलते समय थोड़ा समझ के बोल, गांव के लोग पहले से डरे हुए हैं, डर के मारे धोती गिली ना कर दे, काम खा तेरा नाम खराब करेंगे ये लोग। कपड़े पे लगा धब्बा और बदनामी का ठप्पा आसानी से मिटता नहीं है रे, करने देना बदनाम। दूसरों को नीचा दिखाने वाला ऊपर उठ नहीं पाता है, बल्कि प्यार और इज्जत बांटने वाले सम्मान पा सकते हैं। सही बोला ना? हाँ सही बोला। जितने तेरे चर्चे हैं ना जवानी में उससे दो गुना चर्चे मेरे हुए थे, 500 टीवी चैनल्स को मुंह तोड़ जवाब दिया था। बात करता है। चुप रहे ढीले, झूठ के गोदाम। तेरी जवानी में कितने न्यूज चैनल थे? हाँ गिन के एक ही था याद है, उसके लिए भी एरियल घुमाना पड़ता था, याद है कि भूल गया? पेपर पर लपड़ दूंगा एक। डार्लिंग का फोन काहे को बंद है? जरूर कोई परेशानी होगी, चल ना उसके घर पे होके आते हैं क्या? अचानक क्या बाइक क्यों रोक दी? जा जरा सिगरेट ले गया। ठीक है, दो सिगरेट देना भाई, ये ले। अच्छा वैसे चिक्की को तूने यहां बुलाया कि नहीं बुलाया?
कहाँ रह गया बे? हाँ बस निकल रहा हूँ। चल ठीक है, कोई काम है तो बाद में आ जाना। ठीक है, बाय। ओके। अचानक से वहां पे देखना मत, तेरे पीछे बहुत सारे फैन लोग खड़े हैं। हाँ समझ गया, तेरे भी पीछे कुछ लोग खड़े हैं, उल्लू की तरह घूरे जा रहे हैं तुझे। अब क्या करना है बता? पैसे दे के आ जा। ये ले पैसा। अरे बाइक तो रुकी, चलना। गाड़ी रोक के अपने को चैलेंज कर रहा है। गाड़ी इधर खड़ी है मतलब वो इधर ही किधर होगा। इधर निकला साला, अपुन को देख के छुप गया। अगर मर्द है तो सामने आ, एक बार अगर हाथ लग गया ना तो छोड़ेगा नहीं। ए राजा हुली, चूड़िया पहनी है क्या? अगर माँ का दूध पिया है तो बिल से बाहर निकल। उस तरफ बैठा है, वहां पर क्या हुआ? अच्छा, वो अपना चोट कैसे लगी? ऐसे किसी से पंगा हो गया यार। अरे उसका नाम बताना मेरे को, चेलुआ के दोस्त ही होंगे वो, बदला लेना ना उन सालों को। हां अभी दिखाता हूं मैं उसको, तू आराम कर, मैं आता हूं। आराम से, उन लोगों की भी क्या गलती है, अभी ऐसे दुश्मनी को भड़का के कुछ हासिल नहीं होने वाला है। कल को अपन को कुछ हो जाता तो तुम लोग चुप बैठते थे क्या? उन लोग ने भी वही किया रे, उनके भड़ास निकल गई, बात खत्म हो गई है। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर बुला रहे हैं।
रुक अपुन आता है। वहां सिर्फ कावेरी से मिलने के लिए गए थे, लेकिन अचानक वहां पर गुंडे जमा हो गए और उन्होंने राजा पर हमला कर दिया। साले सब के सब फटुए, हिम्मत होती तो सामने से हमला करते। कोई अपने दोस्त पर हमला कर सकता है क्या? एक एक की ऐसी वाट लगाता कि नानी याद आ जाती उन्हें, लेकिन उस टाइम उसका दिमाग इतना गर्म नहीं था इसलिए जाने दिया उन सबको, वरना उन सबका ऐसा हाल करता कि सीधे पांव चलने के लायक नहीं बचते। मालिक, आप अकेले जा रहे हैं, आप कहें तो हम भी साथ चलते हैं। किसने कहा मैं अकेला हूं? मेरे साथ मेरा बेटा है ना, ये सब कुछ संभाल लेगा। फिर भी सहारा मिल जाता है मालिक। उसकी जरूरत नहीं, ये हमारी निजी समस्या है। अगर तुम लोग साथ आओगे तो समस्या बढ़ सकती है। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो खुद आपसे सहायता मांगूंगा। सब मिलके वहां चलेंगे, ठीक है ना? जैसे आप चाहें। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा बेटा मर गया है। आपके बेटे का जीवन अनमोल है और हमारे बच्चों के प्राण की कोई कीमत नहीं। प्राण के बदले प्राण ले लिया जाए तो हर गांव कुरुक्षेत्र बन जाएगा। क्या बात है, खुली धमकी दे रहे हो क्या? अरे भैंस काय को कर रहा है, बाप और बेटा दोनों को टपका देते हैं, क्या बोलते हैं? देखो सभी रुक जाओ, रुक जाओ। न्याय करने के लिए पंचायत है यहाँ, फैसला होने तक कोई बीच में नहीं बोलेगा। तुम सबको अगर लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो। ओए, अपना मुंह बंद रखो। सरपंच जी, ये बेकसूर है ये बताने के लिए नहीं आया हूँ। हालात ऐसे हो गए कि एक दुर्घटना हो गई, लेकिन इस बात को लेकर अगर बदला लेने के लिए आपने इस पर हमला किया या इसके दोस्तों ने गाँव के लड़कों पर हमला किया तो शत्रुता और बढ़ेगी और गाँव के हर घर में मौत का तांडव होगा और तबाही मचेगी। यही चाहते हैं आप? जिसकी मौत हुई वो कॉलेज का स्टूडेंट था। अपनी बहन की शादी वो कैसे करवाता ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उसकी शादी करवाऊंगा, उसे बेटी बनाऊंगा मैं अपनी। और मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि लड़के के माता पिता और बहन को मैं अपनी 2 एकड़ जमीन दे दूंगा ताकि उन्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। मैं चाहता हूँ कि केस रफा दफा हो जाए और उसके बदले में मैं पूरी मदद करूंगा, जिसके लिए मैं और मेरा बेटा तैयार है। हमारे गांव के लड़के को मारा, अब ये दूंगा वो दूंगा कहके झांसा दे रहे हो? हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर आप लोग चाहोगे तो अपने बेटे की गलती के लिए माफी भी मांग सकता हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं। अरे क्या देख रहे हो तुम लोग, बाप और बेटे दोनों मिलकर नौटंकी कर रहे हैं, क्या बोलते हैं? किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है ये तुम्हें नहीं पता है, मुझसे पूछो। इस तरह अगर जोश में आकर कोई भी फैसला लोगे तो तुम खुद भी मुसीबत में आ सकते हो। ये पुलिस और कोर्ट कचहरी में पिस कर रह जाओगे, तो पहले इनकी बात सुनो। अगर नहीं सुनना चाहते तो जो कोई चलुआ के परिवार की जिम्मेदारी लेना चाहता है तो आगे आ जाओ। 1 या 2 महीने कोई भी मदद कर देगा, क्या पूरा जीवन ख्याल रख पाओगे? अपने घर वालों का तो ध्यान नहीं रख पाते। क्या हुआ, एक पल में हवा निकल गई? गौड़ा साहब उनकी पूरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो उठाने दो, इन्हें कोई मामूली आदमी समझते हो क्या? देखो इनकी एक आवाज पर 7 गांव के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, ऐसी हस्ती हैं ये। अगर चलवा के परिवार को ये शर्त मंजूर हो तो ये बात यहीं पर खत्म करते हैं। आप सबकी क्या राय है? ये तुम लोगों की भलाई चाहते हैं। आप उनको भी मंजूर है। ठीक है गौड़ा साहब, मामला रफा दफा करो, हम तैयार हैं। क्यों भाभी, आप भी राजी हैं? गौड़ा साहब, सब गांव वाले राजी हैं, तो अब आप अपना दायित्व निभाइए। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते। ये देख, अपनी बहन की शादी करवाने की तुझे बहुत जल्दी थी ना, पंडित 3 मुहूर्त निकाले, कोई भी एक तारीख चुन ले, उसी दिन उसकी शादी करवा देंगे। क्या हुआ, कुछ कहना है? बताती है ना, इसके कॉलेज में ना वो हॉल टिकट मिलने वाला है, फाइनल परीक्षा है ना, पढ़ाई तो इसने घर पर कर ली है, परीक्षा देने तो जाना पड़ेगा ना इसको। देख सावित्री, तेरी बात मान के शादी की तारीख निकलवाई, ऐसे समय में इसका घर से बाहर जाना अच्छा नहीं होगा। चल ठीक है, इसने मेरी बात मानी, मुझे भी माननी चाहिए। कल कॉलेज से अपना हॉल टिकट ले आए, एग्जाम देगी या नहीं ये बाद में सोचेंगे, कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बस इतना याद रहे, कॉलेज खत्म होने के बाद तुरंत घर वापस आ जाइए। अब तो खुश है ना तू, चल जा।
ए सावित्री, ये जो तू कर रही है ना, बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है। आप शांति रखो ना, इसने जीजा जी की हर बात मानी की नहीं तो दिक्कत क्या है फिर? देखो दीदी, आजकल की लड़कियों को ना गुस्से से नहीं बल्कि अलग तरीके से समझाना पड़ता है। कब लगाम कसनी है, कब उसको ढील देनी है, मेरे को सब मालूम है। उसकी दिमाग को मैं सेट करेगी ना, इस काम में मैं बड़ी माहिर है। क्या हुआ? पापा ने पंडित जी को बुलवा के शादी के लिए 3 तारीखें निकलवाई हैं। इन तीनों में से कोई एक मुहूर्त चुनने की जिम्मेदारी मुझे दी है। एक सेकंड रुक। हाँ बोलो भाभी। अप्रैल की 8 तारीख को तुम्हारी और कावेरी की शादी तय हुई है, अब तो खुश हो ना? ठीक है भाभी। क्या रे वंडा, सच में उसी को देखा क्या? मेरा दिमाग खराब हो सकता है पर आंख नहीं। उधर देख, भाभी आ रही है। साला ऐसे जता रही है मानो उसको अपन देखा ही नहीं। रुक आता है। अरे अबे रुक, रुक रे भाई। ऑटो देख ही नहीं रुका रे। अपन को देख के भी अनदेखा काय को किया? चल तेरे से बात करनी है अपने को। कौन है तू? मार खाने का शौक है क्या तेरे को? सामने से हट, तू मेरे साथ चल। चल, आजकल कुछ ज्यादा ही मवाली घूमने लगे हैं इधर। सैंडल से मारे की एक एक। अरे बोला ना अपन को तेरे से बात करने का है। एक उल्टे हाथ की लगाऊंगी ना। हाथ कैसे पकड़ा इसका तूने? चल छोड़। तू काहे को इतना उछल रही है? तेरा हाथ पकड़ा गया अपन ने। हां मेरा हाथ पकड़ के तो दिखा, बत्तीसी तोड़ देगी तेरी। लाइफ में एक ही लड़की का हाथ पकड़े लाया अपन ने, तो अभी तो फोकट में अपनी टांग मत अड़ा। कावेरी से अपने को जरूरी बात करने का है। इसको अपन के दोस्त रवि के दुकान पे भेज देना, कुछ बात करनी है इससे। सब नहीं है तेरी, राह चलती किसी भी लड़की का हाथ पकड़ लेता है। माँ भी नहीं है क्या घर पे? तेरे को इज्जत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसको ना दुकान पे भेज दे। कौन है ये लफंगा? कितनी चर्बी चढ़ी है रे इसको, कौन है बता तो मेरे को। ऐसा ही है वो, इसीलिए सब लोग इसे राजा हुली कहते हैं। क्या यही है वो? कब लगाम कसनी है, कब उसको ढील देनी है, मेरे को सब मालूम है। अगर मेरे को इस पर काबू रखना है तो आज थोड़ी ढील देनी ही पड़ेगी। तेरे को देखने के लिए अपुन तरस रहा है और तू देख के भी अनजान बन रही है क्या? मोबाइल स्विच ऑफ क्या कर दिया तो सोचा अपुन का लॉबी स्विच ऑफ हो गया? पापा ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। क्या बोले? तेरी शादी फिक्स कर दी है क्या? बिना दूल्हे से पूछे मुहूर्त कैसे निकल लिया उन लोगों ने? जिस दिन तूने अपुन के प्यार को कबूल किया ना, उसी दिन से तू अपुन की पत्नी बन गई है। जाके बोल दे अपने बाप से, राजा उले से उलझना बहुत भारी पड़ेगा। तेरी मर्जी के खिलाफ उन लोगों ने तेरी शादी करवाई ना तो काट डालेगा उसको अपुन। फोकट में धमकी देने की जरूरत नहीं है, मेरे माँ बाप ने मेरी राय ही नहीं पूछी। मैं चुप रही तो उन्हें लगा कि मैं शादी के लिए राजी हो गई हूँ। तू जेल के अंदर है या बाहर है मुझे ये तक नहीं पता था, कहाँ ढूंढती तुझे? मेरा सिम कार्ड तक जला डाला। माँ और चिक्की ने मिलकर मुझे बहलाने की खूब कोशिश की, मेरे दिल में प्यार का जलता हुआ दिया उन्होंने देखा तक नहीं। प्यार कपड़े पे लगा कोई धब्बा नहीं है कि धोके उसे साफ कर दो। वो तो दिल पे लगा ऐसा निशान है जो कभी नहीं मिट सकता। किसी के कहने पर मैं तुम्हें नहीं भुला सकती, ये सच्चा वाला प्यार है। पर वो ये बात नहीं समझेंगे, इसमें मेरी क्या गलती? मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा चाहती हूँ, बस तुम एक इशारा करो, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे साथ भागने के लिए भी तैयार हूँ। पर इसका फैसला तुम्हें लेना है। बाहर खड़ी वो चिक्की दिन रात मुझे पट्टी पढ़ाने की कोशिश में लगी रहती है, उन्होंने मुझे इतनी ही मोहलत दी थी, अब जाना होगा। माइंड में लोड नहीं लेने का, हिम्मत रखने का। हाँ किसी से नहीं डरती मैं, एक टाइगर से ऐसे ही थोड़ी ना प्यार किया है, मैं भी एक शेरनी से कम नहीं हूँ। अरे क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं? आगे मत की, मैं आपके पैर पकड़ के छोड़ दीजिए इसे। नहीं इधर हट, छोड़ो इसे, छोड़ो। हॉल टिकट लेने के लिए इसे कॉलेज भेजा था मैंने, वहाँ गुलछर्रे उड़ाने लगी है, इसीलिए मना कर रहा था कि इसे कॉलेज मत जाने दो। ए पवित्रा, तेरे आदमी ने कौन सी तारीख चुनी? 3रा वाला शुभ मुहूर्त। उसे जल्दी फोन कर, बोलना पहले वाले मुहूर्त पर शादी होगी। इसे अगर और ढील दी गई तो खानदान की नाक कटवा देगी। अगले 30 दिनों के अंदर इसकी शादी करवा के इस घर से हमेशा के लिए भेज दूंगा मैं। किसी में हिम्मत हो तो रोक के दिखाए मुझे, जान ले लूंगा इसकी। अरे शांति से बात करो, कोई आ रहा है। नमस्कार जी। हे कुर्सी लेकर। शायद आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। वो कावेरी का आशिक है ना, उसका बाप है, अपने गांव का सरपंच है, राजा हुली का वंशज है, बहुत इज्जत है इनकी गाँव में। बैठिए।
कैसे आना हुआ? आप ही से मिलने आया था, आपकी बहुत तारीफ सुनी। वैसे मेरे बेटे से गलती हुई, उसने अपने प्यार होने की बात अपने बड़ों को नहीं बताई, लेकिन जैसे ही बात पता चली मैं आने ही वाला था, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, उस वक्त मैं बात करने के लिए आपके पास नहीं आ पाया। दरअसल बेटे के जेल जाने के टेंशन में सब भूल गया, आपने भी रिश्ता ढूंढने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी। देखिए, अपनी बड़ी बेटी की देवर के साथ उसकी शादी तय कर दी है, विवाह होने में अब केवल 30 दिन का समय रह गया है। शादी में शरीक होके उन्हें आशीर्वाद दीजिए, इसके अलावा कुछ चाहिए हो तो बोलिए। देखिए, मैं भी कोई कायर वायर नहीं हूँ जो यहाँ से डर के चला जाऊँ। जिस तरह आप यहाँ के श्रीमंत हैं, उस तरह मैं भी अपने गांव का राजा हूँ। अगर आपको ना पता हो तो अपने साड़ू से पूछ लीजिए, हमारा रुतबा बराबर ही का है, जाति भी एक ही है। इत्तफाक से मेरे बेटे को आपकी बेटी से प्यार हो गया है, इसलिए हाथ मांगने आया हूँ। आपसे एक शरीफ आदमी की तरह बात कर रहा हूँ, वरना आपकी बेटी का अपहरण करना मुश्किल नहीं है। मेरे बेटे पे हत्या का आरोप लगा क्योंकि उसने आपकी बेटी से प्यार किया है। कोई निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। सामान ले आओ। जी मालिक। बेटा कावेरी, मुझे थोड़ा पानी पिलाओगी बेटा? हाँ अभी लाती हूँ। रुको बेटा, मेरी पत्नी ने भिजवाया, अंदर जाके अपनी मम्मी को दे दो। एक सेकंड। तो बिल्कुल चिंता मत करना बेटा, मैंने ये फैसला कर लिया है कि तुम ही मेरी बहू बनोगी। चलता हूं बेटा, आज्ञा दीजिए। ये क्या, आके सीधा शगुन देके चले गए? अभी बता दो। पापा, जो इनविटेशन कार्ड छपवाने दिए थे वो प्रिंट होके आ गए हैं, एक बार आप भी उसे देख लेते तो। तबीयत थोड़ी सुस्त है, ये सब देखने के लिए थोड़ा समय दो, 2 दिन बाद बात करते हैं। क्या हुआ? रात को मेरी पापा से बात हुई। हाँ तो क्या बोले वो? उन्हें इनविटेशन कार्ड देखने को कहा तो उन्होंने कहा कुछ दिनों बाद देख लेंगे। तुम बाप बेटी ने अगर कोई नया ड्रामा शुरू किया ना तो उम्र भर अपने मायके में ही बैठी रहना। क्या बात है भैया? ए जग्गा, तेरी भाभी का कॉल आया था। हाँ। इनविटेशन कार्ड बांटने से मना कर दिया, कहा 2-3 दिन बाद सोच के बताएंगे कि क्या करना। तू चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगा। ए जग्गा, तू सुन रहा है ना? पापा, रात को आपके दामाद ने फोन किया था। कावेरी, अपनी माँ से कहो मेरे लिए पानी लेकर आए। पापा,
शादी के लिए 2 हफ्ते रह गए हैं। वो चाह रहे थे कि काज बांटना शुरू कर दें, काफी कम समय रह गया है। इस बारे में उनसे कुछ बात करनी है, उन्हें कॉल कर दो, कहो इनविटेशन बांटने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या कह रहे हैं, बिना मेहमानों के शादी करेंगे? बहुत सोचा मैंने, एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। गांव के बड़ों ने भी यही कहा। उसके पिताजी को मैंने गांव के मंदिर में बुलवाया, बिना इसके देवर को बताए कावेरी की शादी मैंने उस लड़के के साथ करवाने की सोची। अब यहां आंसू किस लिए? तेरी इच्छा ही तो पूरी कर रहा हूं, अब तो खुश है ना? गांव वाले उसे हत्यारा मानते हैं, एक अपराधी को अपनी बेटी का हाथ कैसे दे सकते हो? यही सही, मैं अपनी बेटी का विवाह एक हत्यारे से करवाने जा रहा हूँ। इसकी रक्षा करने के लिए वो गुनहगार बन गया। अगर सीधी भाषा में कहूँ, उसके जेल जाने की वजह से ही हमारी बेटी है। इस समस्या से निकलने की और कोई सूरत नहीं है। गुंडों ने हमारी बेटी को छेड़ा, इसे बचाने के लिए ही राजा को उनसे लड़ना पड़ा। जरा सोचो कावेरी को कितना चाहता है वो, कोई और इतना ख्याल रख पाएगा हमारी बेटी का? ये आप बहुत गलत कर रहे हैं पापा, वो मेरे ससुर को जो आपने वचन दिया था कैसे तोड़ सकते हैं? किसी का जीवन वचन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, मुंह से निकला हर एक वादा पूरा नहीं किया जा सकता। अब हालात पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे, जीवन का दूसरा नाम ही समझौता करना है। अपने पति को समझाने की कोशिश करना। चलते हैं आराम से, आराम से। बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत नजर ना लगे। ये कड़ा अच्छा है ना? नहीं अच्छा, मुझे खाइए। सब लोग कितने खुश हैं। हाँ, बिल्कुल। ये तेरे बगल में जो रखी है। हाँ। सारे आराम से अच्छे अच्छे हैं ना? वो वाली दिखाओ। हाँ। दादी मुझे ये पसंद आई। तू पागल हो गया क्या? पागल बना दिया है उसने मुझे, पीठ में खंजर भोग दिया उसने मेरे। अब तू ही बोलना, कैसे रहूंगा कावेर के बिना? नहीं रह सकता, खत्म कर दूंगा खुद को। सब्र करना सीख मेरे भाई, तेरा दर्द अपन समझ रहा है। और तू रो क्यों रहा है बे? इस सब में तेरी क्या गलती है? उनको 2 एकड़ जमीन दे दी ना, इससे अपन का दो जिंदा हो जाएगा क्या? पैसों से क्या हो जाएगा? उसकी माँ को उसका बेटा वापस मिल जाएगा क्या? रोज रोज बड़े बड़े डायलॉग मारता था दोस्त के वास्ते, ये करेगा वो करेगा, उसने क्या उखाड़ लिया बोल? और तू क्या कर पाएगा अगर वो कावेरी के साथ शादी कर लेगा? अपन मर जाएगा। ए, ये जवाब नहीं चाहिए मेरे को। तू क्यों मरेगा बे? खुद को नुकसान नहीं पहुंचाने का, जेल से छूट कर आजाद घूम रहा है ना वो, तो हमने क्या चूड़ियां पहन के रखी है? क्या बात कर रहे रे भरत? अरे अपुन सच बोल रहा है, चग्गा की भाभी की बहन है वो। अरे ये बात अपुन को भी कल ही पता चली यार, दोनों की शादी भी तय हो चुकी है भाई, इनविटेशन कार्ड छप चुके हैं, ये देख ले। कसम से आपन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे अपनी घरवाली बनाना चाहता था। अरे घरवाले भी बहुत खुश थे, अरे 3 सालों से तो इन दोनों के रिश्ते की बातें चल रही है, और उसके बाद तेरे बारे में उसे पता चला, उसका दिल टूट गया यार। अरे पूरा पगला गया है वो, मेरे सामने वो अपना सिर फोड़ने चला गया था। अरे ये सब का क्या जरूरत था, ये बात तो अपने को नहीं बता सकता था क्या? अच्छा अभी कहाँ मिलेगा वो? मेरे को नहीं पता, फोन लगा उसको। ए जगह कैसा है रे भाई? राजा बोल रहा है अपन। अरे क्या हुआ बे? फोन काट दिया रे, लगता है बहुत गुस्से में है वो। एक काम कर, आमने सामने बैठ के बात कर लेना, सारा मामला ही सुलट जाएगा। अभी ये हाँ बोलेगा तो ही अपन शादी करेगा, और अगर मना किया तो फिर कैसे कर सकता है? एक ऐसी शर्त मत रख, मना किया ना तो शादी नहीं हो पाएगी। कोई दिक्कत नहीं है,
अपने दोस्तों को दुख पहुंचा के आपुन भी कभी खुश नहीं रहने वाला है। चल आज उससे मिलके उसकी गलतफहमी दूर कर। अरे रुक जा, मेरी बात सुनना। तू यहीं पर रुक और अपनी शादी की तैयारी करना, मैं उसे ढूंढता हूँ, उसके बाद तेरे से बात करवाता हूँ। अरे नहीं यार, अरे मान जा, मेरे पर भरोसा रख, मैं उसे समझाता हूँ ना, समझ जाएगा वो। राजा, अरे तू यहाँ पर है? पिताजी ने कहा है तुझे इनविटेशन कार्ड्स बांटने जाना है, ये ले टीका लगा ले, तू भी लगा। नहीं रहने, मैं चलता हूँ, कॉल करता हूँ फिर। ठीक है। ये महाशय कौन है रे? पागल ही होगा जिसने पूजा का टीका लगाने से मना कर दिया। दोस्त है आप उनका। सुन रे, काम तो कर पाएगा ना तू? अरे फिकर मत करो, कोई झंझट नहीं होएगा। हत्या करना अपुन का पुराना धंधा है, बॉडी को दफनाने की भी जरूरत नहीं है, लाश को जंगल में फेंक डालेंगे, जानवरों का खाना हो जाएगा। सिर्फ उसकी खोपड़ी बचेगी, उसे तोड़ के उसे जला देंगे। इस वीरान जगह कोई नहीं आता, कोई सबूत नहीं बचेगा। यह शंकर, इधर ही सुला डालेंगे। आ जाके तैयारी कर, लाश यहीं फेंक देंगे। हाँ ठीक है। सुन रे, उसके हाथ पर बांधने का और गला काट देने का, समझा? कसाई को हलाल करना सिखा रहे हो, ये हमारा काम है। चल रे। क्या हुआ रे, तेरा हाथ इतना काँप क्यों रहा है? मारने की बात करना आसान है भाई, लेकिन जैसे वक्त गुजर रहा है ना, अपन की धड़कनें तेज होने लगी हैं। तो अपन क्या पैदाइशी किलर है क्या? जिगर को मजबूत रखने का, तू खुद ही डरेगा तो उसको सुला कैसे पाएगा? सुना के रे? हाँ क्या हुआ, बोलना। अच्छा मेरी बात सुन, जगह मेरे को कल मिला था। अच्छा अभी कहाँ पर है वो? अरे यहीं पास के एक गांव में बैठा है वो, पूरा दिन बैठकर दोस्तों के साथ नशा करता रहता है बस, बहुत दिन से घर नहीं गया। अरे ये सब करने की क्या जरूरत है रे? अरे उसे बहुत समझाया मैंने, सुनने को तैयार नहीं एक बात। अच्छा ये टाइम वो कहाँ पे मिलेगा, मैं खुद जाके उससे बात करता है, चल बता। अरे क्या फायदा, वो नहीं सुनने वाला। अरे तू खाली जगह बताया यार। कल ठीक 12 बजे मैं तेरे को लेने आऊंगा, बस स्टॉप के पास वो चाय की टपरी है ना, वहीं मिलेंगे। उसके बाद तेरे को मैं उसके पास ले जाऊंगा, बात करके देख, शायद तेरी बात वो मान जाए, क्या बोलता है? चल ठीक है। ना बोल क्या है? क्यों मेरे टाइगर राजा, मुझे मिसविस नहीं कर रहे हो? फोन नहीं किया, शादी की तैयारी में इतने बिजी हो क्या? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। आवाज से थोड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है, अपनी बीवी से शेयर नहीं करोगे? अरे दुनिया में ऐसा कौन है जो आप उनको टेंशन दे सकता है? झूठ मत बोलो, अब बताओ क्या छुपा रहे हो? कोई तो लोचा है। अब तू मेरे को बहुत टेंशन दे रही है, मैंने बोला ना कि ऐसा कोई बात नहीं है। चल अभी फोन काट, बहुत सारे काम है। जी सुनिए, देवर जी कहाँ है? पता नहीं, जल्दी बुलाइए, पापा को पता चला तो नाराज होंगे। ओ फेकोलॉजी मास्टर, बाहर से आते वक्त देखा ना, तेरे को हीरो से जलन हो रही है कि नहीं? मस्त चकाचक सजावट है ना। इसको सजावट बोलते हैं क्या? मेरे शादी में तो बाहर हाथी खड़े हुए थे। दूध घी की मिठाई खिलाई कि नहीं? दूध और घी की? अरे मिष्ठानों की तो लाइन लगा दी थी। अरे ढीले, मेहमानों को तो खाना खिलाया, लेकिन तूने बादाम पिस्ता वाला दूध पी लिया होता ना, तो तेरी बीवी सुहागरात से पहले भागती नहीं। अबे चुप, क्या अनाप शनाप बक रहे हैं, जाओ कोई काम धंधा करो। बड़बड़ कर रहे हैं। चल मैं निकलता हूँ, एक जरूरी काम याद आ गया। थोड़ा उदास लग रहा है भाई, क्या हुआ? अरे कितना सारा काम पड़ा है, तो बस उसी के बारे में कुछ सोच रहा था अपन। समझ गया, शादी के लिए 100 ऐप छुपाने पड़ते हैं भाई, लेकिन अपने हीरो ने खून किया फिर भी शादी हो रही है उसकी, इसको बोलते हैं फुल पावर, क्या बोलता है भाई?
क्यों रे, वो बकरा हलाल होने नहीं आ रहा है? बोले तो उठा ले उसको। हेलो, हाँ बोलना। क्या हुआ रे? बस निकल रहा हूँ, 3 बजे वो तेरे सामने होएगा। अब सुन। हाँ बोलना। अगर प्लान फेल हुआ ना, वो किसी को छोड़ेगा नहीं। अच्छा भाई, उनको केले के पत्ते चाहिए, मैं जाके लेके आता हूँ। हाँ बोल भरत, क्या हुआ? सुन, तू ठीक 2 बजे चाय की टपरी पे मिल, तेरे को वहीं से उठाता हूँ मैं। अपन पहुंच जाएगा। बेटा हाँ, कहीं जा रहे हो? वो जरा काम है तो 5 मिनट में आता है। एक बार हल्दी लगने के बाद दूल्हे को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये अपशगुन माना जाता है, दूल्हे की जान खतरे में पड़ सकती है। अपना मुंह बंद रखो, शुभ कार्य हो रहा हो तब अशुभ बातें नहीं करते, इतना भी नहीं जानते? बकवास करते रहते हो। अकेले जा रहे हो बेटा? हाँ, बस 5 मिनट का बात है। अकेले मत जाओ बेटा, ऐसा करो अपने किसी फ्रेंड को ले जाओ। हाँ ठीक है पापा। यार ये क्या, मुझे इस बारे में किसी ने क्यों नहीं बताया? जग्गा और कावेरी की शादी की बात चल रही है और मुझे खबर तक नहीं। चल वो सब छोड़, उसके एक बार कहने पे तू बिना किसी को बताए अकेले चल दिया। अरे वो बात नहीं है यार, तेरे को और चिका को अपन साथ ले जाना चाहता था, उसको समझाने के वास्ते तो अपन वहाँ जा रहे हैं। अब मान ले गलती से तुम दोनों बहस करने लग जाते तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए अपन अकेला जा रहा था। आ गया तू? अब चले गया? बस वो चाय का ऑर्डर दिया है, पी के चलते। जाना एक एक्स्ट्रा बोलना। क्या रे तू, तेरे को अकेले आना था ना, इसको काहे को साथ में लेकर आया? अरे आने देना है, दोस्तों के बीच का प्रॉब्लम दोस्त लोग मिलकर ही तो सुलझाते हैं ना, ले चलते हैं इसको। अरे 3 का साथ में बैठना अशुभ होता है ना। अभी पापा ने बोला अकेले मत जाना, इसके लिए इसको साथ लेके आया। अरे छोड़ना, कुछ नहीं होगा रे। अभी जहाँ पे बोला था वहीं पर, तू तेरा बता। हाँ बस पहुंच ही रहे हैं, एक लफड़ा हुआ यार। अब क्या हुआ? यार वो प्यारे लाल साथ में है। अरे बोला था ना अकेले लाने के लिए, उसको काय को नहीं छोड़ा वहां पर। अरे कोशिश की थी लेकिन वो अपनी बात पे अड़ गया, ज्यादा मना करता तो वो मेरे पे शक करता ना। और याद रख, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा तेरे को। ठीक है आने दे उसे, अब टेंशन नहीं लेने का, आज दोनों का गेम बजना तय है, ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। बस यही पास में ही होगा वो। अरे किधर गया वो? अरे इधर ही बैठता है रोज। वीरान जंगल में कोई बैठता है क्या? अरे हर दिन यहीं पे वो अपने दोस्तों के साथ बैठता है, सारे के सारे लफंगे उसके दोस्त, सब लोग नशा करते हैं पूरा दिन। उसको पता है कि अपुन आ रहा है? अरे तेरे बारे में नहीं बताया मैंने, मेरे बारे में ही बताया मैंने। अरे यहीं आसपास घूम रहा होगा, चलना ढूंढते हैं। अपुन साथ में चलते हैं। हाँ चल ठीक है। जग्गा, अब यार ऐसा घूर काई को रहा है बे? आप उनको खुद का दुश्मन समझता है क्या? ए चलो कल्टी मारो। अरे रुकना, अभी जो भी तेरे मन में है वो बोल डालना। कुछ बोलने लायक छोड़ा है क्या तूने? ए इतना भी क्या गुस्सा, बात करना 2 मिनट। हाथ निकाल बे। ए रुकना जग्गा, ए सुनना जग्गा, ए जग्गा, ए रुक। अरे बात तो कर, बुलाना नहीं करने का है। क्या हुआ तेरे को? एक बात बता, अभी कावेरी को तू पसंद करता है या अपन को कैसे पता होएगा? रे बिना बताए अपन को कोई सपना आएगा क्या? ये ड्रामेबाजी बंद कर, अब
चलो मान लिया कि तुझे पता ही नहीं था, लेकिन जिस दिन तेरे को इसके बारे में पता चला तो रिश्ता वहीं पे तोड़ देता ना। ए, ऐसे रिश्ते यूं ही तोड़े नहीं जाते। बस हो गया, बात यहीं पे खत्म होती है। अब चल निकल यहाँ से। क्या बात करता हूँ। ए जग्गा, रुकना। अरे तेरे वास्ते बात करने के लिए इधर को आए, रुकना। आजा आजा। ए जग्गा रुकना। चल जल्दी बोल, तेरे को क्या बात करनी है अपन से। मानता ना कि तेरे से गलती हो गई। इतनी सी बात पे तू इतना गुस्सा करेगा? अपन के साथ दुश्मनी मोल लेना चाहता है? दुश्मनी? तुझे सब कुछ पता था, अपनी मर्जी से ये रिश्ता बनाया तूने। मेरे सामने भोले बनने का नाटक कर रहा है? अब मेरे को और बेवकूफ नहीं बना सकता तू। चल घर जा। अरे जग्गा। ए रुक जग्गा, सब कुछ तो साफ साफ बता दिया इसने तेरे को, तेरी प्रॉब्लम क्या है? ए जग्गा, जरूर किसी ने तेरे को गुमराह किया है। तू इधर से कहीं नहीं जाएगा। वो लोग ऐसे इसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। चुपचाप इधर ही खड़ा रहे। क्या रे राजा हुले, कोई तेरी आइटम को देख भी नहीं सकता क्या? और अगर देख लिया तो उसकी जान लेके उसके घर वालों के मुंह पे नोट फेंकेगा तू? उसकी बहन की शादी करवा के तुझे क्या लगता है सब ठीक हो जाएगा? जान के बदले में जमीन और पैसे दिए तूने, लेकिन अपन का दोस्त तो वापस नहीं आएगा ना? अपन से सब कुछ छीन के अब आंसू पोंछने के लिए आया क्या? हाथ पांव बांध सुअर के आसान मौत देके कलेजे को ठंडक नहीं मिलने वाली अपन के। इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले कई जन्मों तक अपनी गलती का पछतावा होना चाहिए इसे। उठा ले साले को। Ah!
जाने क्या देख रहा है मेरी तरफ। बचपन से हम जिगरी दोस्त हैं। एक लड़की से बात करने के लिए मैंने तेरी थोड़ी सी मदद क्या मांगी? मेरा पत्ता काट के खुद उससे भिड़ गया। तुझे क्या लगा था ये सब सहने के बाद मैं दोस्ती निभाऊंगा? मुझे झूठी कहानी सुनाई कि कई साल पहले उसे पटा चुका था। बेवकूफ दिखता हूं पर उतना हूं नहीं। इसे यहां मारकर यहीं पर गाड़ देना। सुन बे। बोलो भाई। काम खत्म कर दे। हाँ ठीक है भाई। अरे किधर गया वो? चल। शंकर 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 ये क्या हो गया? शंकर उठ जा शंकर शंकर उठ शंकर शंकर उठ ये क्या हो गया? क्या हुआ जग्गा? उससे शादी कर रहा हूँ जिससे तू करना चाहता है, पर सच तो यह है कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो आप उनसे प्यार करती है। जिस लड़की ने आप उनसे प्यार किया, आप उनके लिए अपने घर वालों से दुनिया से बगावत की, उसको कैसे छोड़ सकता है अपुन? लड़की के मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती शादी करना कौन सा पुण्य होता है बोल? आप उनसे प्यार करने वाली, आप उन पर मर मिटने वाली से शादी करना, ये गुनाह है क्या? बोलना कुछ गलत किया मैंने? बहुत कुछ गलत किया।
अपुन जानता था चेलवे के मर्डर केस में अपुन के खिलाफ झूठी गवाही देने वाला तू ही था। जिसने चेलवा को बस से धक्का दिया उस दिन वो आदमी तेरी पहनी हुई शर्ट पहन के आया था। अपुन को लगा चेलवा के परिवार की मदद करने के बाद अपुन के लिए तेरा दिल बदल जाएगा, लेकिन तू नहीं बदला रे। तू तेरे को सच में लगा कि चेलवा का मर्डर कर सकता है अपुन? बगल में लेटे अपने दोस्त से पूछना जरा, चेलवा को असल में किसने मारा था? क्या रे बंटा है? किस किसने किस पे हाथ उठाया उस दिन की एक एक बात याद है अपुन को। एक सच्चा मर्द बिना वजह किसी निर्दोष को मारना तो दौर की बात, उसको हाथ तक नहीं लगाएगा। तेरे को क्या लगा अपुन को नहीं पता अपुन के पीछे से चेलवा को किसने धक्का दिया? अगर अपुन चाहता तो पुलिस को यह बताने में एक पल का भी देरी नहीं करता, एक मिनट में तो अंदर हो जाता। तेरे को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपुन ने अपने सर पे ले लिया। अच्छी दोस्ती नहीं भाई, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि दोस्त बनाने से पहले उनको पहले अच्छी तरह से जान लो। तुम्हारे जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी रे। जिनके साथ खेला, जिनके साथ बड़ा हुआ, जिनके साथ एक थाली में खाना खाया, उनके दिल में अपुन के लिए इतना जहर भरा पड़ा है रे। तो चलता है अपुन। घोड़ी पे गया था और अब इसे पैदल चला रहा है। अरे तो तेरे को आग क्यों लग रही है भाई? ये पैदल जाए तो प्रॉब्लम है, गाड़ी में जाए तो प्रॉब्लम है। इनको देखकर अगर तू सुलगाता ही रहेगा ना भाई तो सुलगाता रहे, दिल से कहता हूँ इसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तू चुप मत होना, भौंकते रहना। चुप रे। गाड़ी पे कुत्ता काटा। ए भाई एक बात पूछूंगा, बुरा तो नहीं मानेगा ना? अरे पूछना। उस दिन जंगल में जो हुआ वो सब मुझे पता है, तूने उनको भुला दिया वो भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अरे रुक ना भाई, सवाल तो पूछने दे। इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस को कंप्लेन नहीं की, इतना ही नहीं कम से कम गांव वालों को बता दिया होता ना तो उन्हें जिंदा जला देते। तू चुप क्यों है मेरे भाई? देख भंडारे, दोस्त अच्छा हो चाहे बुरा हो लेकिन मरते दम तक उसके साथ दोस्ती निभानी चाहिए। भले ही उन लोगों ने अपन को धोखा दिया हो लेकिन ये बात मरते दम तक अपन किसी को नहीं बोलेगा, क्योंकि अपन के लिए दोस्ती वफादारी है, समझा? रो मत लॉलीपॉप। ओ हनीमून पे जा रहे हो क्या मयूरी? गुड न्यूज है ना, यानी पति को स्पेशल वाली खीर खिला दी तूने? कितना बेशरम है रे तू, बगल में बीवी खड़ी है फिर भी मुझ पर लाइन मार रहा है। अरे तो गलत क्या है इसमें? आप चाहे कुंवर आ रहा हूँ, शादी करूँ या फिर बच्चे लोग का बाप बन जाऊँ, अपने पुरानी पड़ोसन के प्यार को कभी भूल नहीं सकता, आग मारता रहूंगा क्या? क्या तुम्हें ऐसे आग मारने की कोई जरूरत नहीं है? चल बेटा लॉलीपॉप खा। है भाई बाकी का प्यार घर पे करना, बस में नहीं।